गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, आज का टॉपिक है हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, अभी तक हम लोग पावर जनरेटिंग सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम ये पढ़ चुके हैं ना। अभी हाइड्रोलिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम ये टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं, तो आज हम लोग उसमें से हाइड्रोलिक सिस्टम देख लेते हैं और कंट्रोलिंग सिस्टम भी बचा है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोलिक सिस्टम के आज के टॉपिक के कंटेंट है डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक, देन पास्कल लॉ, उसके बाद है बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम एलिमेंट एंड फंक्शन, हाइड्रोलिक रिजर्वायर, हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक वॉल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर कितने टाइप के होते हैं, क्या इसका वर्किंग है, देन ऑयल फ्लो, सर्किट ऑफ आइसर ट्रैक्टर हाइड्रोलिक। हम लोगों ने एक मतलब हर एक ट्रैक्टर का अलग अलग हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, तो उसमें से हम लोगों ने एक आइसर ट्रैक्टर चूज किया है, उसका हाइड्रोलिक सिस्टम हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, उसका ऑयल फ्लो सर्किट हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें क्या है, आइसर का जो हाइड्रोलिक ऑयल फ्लो सर्किट होता है ये थोड़ा सा इजी होता है अदर ट्रैक्टर्स के कंपैरिजन में, इसीलिए हम लोगों ने ये लिया है आज। और भी आप लोग और भी कोई हाइड्रोलिक सिस्टम की अगर डिमांड करते हैं तो उसके भी हम लोग लेक्चर रखेंगे, तो कोई भी ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक सिस्टम, जैसे कि मीटा का बहुत सारे ट्रैक्टर में लगता है, तो मीटा हाइड्रोलिक सिस्टम भी एक इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिक सिस्टम है, तो अगर आप लोग का स्पेशल डिमांड आता है तो हम लोग उससे भी एक लेक्चर ले सकते हैं। उसके बाद कुछ डिसमेंटल व्यू है आइसर हाइड्रोलिक सिस्टम का, उसको भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोलिक, है ना। तो हाइड्रोलिक ये जो है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो ये ग्रीक वर्ड किससे बना है, हाइड्रो प्लस ऑलिक, ये दो वर्ड से हाइड्रोलिक बना है। कौन से, हाइड्रो और ऑलिक। तो हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर और ऑलिक का मीनिंग होता है ट्यूब या फिर पाइप। तो इसका अगर सिंपल सा डेफिनेशन अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ट्यूब या पाइप में बहने वाला कोई भी लिक्विड, उसका अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग हाइड्रोलिक बोलेंगे। ठीक है, हाइड्रोलिक की बात और करेंगे तो हाइड्रोलिक ट्रैक्टर में बेसिकली तीन तरह के पावर आउटपुट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पावर आउटपुट है हमारा पीटीओ, है ना। पीटीओ से हम लोग पावर लेके क्या क्या चलाते हैं, थ्रेशर चलाते हैं, फिर रोटरी टिलर चलाते हैं, उसके बाद उस पर पुली लगा के उसमें से बहुत सारे चीज़ें हम लोग चला सकते हैं, वाटर पम्प चलाते हैं, सिर्फ बहुत सारे पोस्ट होल डिगर चलाते हैं, तो ये पीटीओ एक आउटपुट होता है। उसके बाद सेकंड आउटपुट है हमारा ड्रॉवर। तो ड्रॉवर से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हमें खींचना है ना, तो उसको हम लोग ड्रॉवर पे कनेक्ट करते हैं, जैसे कि ट्रॉली हो गया, ट्रैक्टर ट्रॉली हो गया, उसको खींचते हैं तो ड्रॉवर पे कनेक्ट करते हैं। तो किसी भी चीज़ को खींचना है तो उसको हम लोग ड्रॉवर पे कनेक्ट करते हैं, तो खिंचाव के लिए हमारा एक पावर आउटपुट है ड्रॉवर। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारा पावर आउटपुट होता है हाइड्रोलिक। तो हाइड्रोलिक में आप लोग किसी मतलब जिसमें हाइड्रोलिक में थ्री पॉइंट लिंकेज होती है, वही थ्री पॉइंट लिंकेज पे कोई भी आप लोग इम्प्लीमेंट कनेक्ट करके उसको हम लोग लिफ्ट, लोअर या फिर हाइड्रोलिक आपका जो भी ट्रिपिंग ट्रॉली होता है, ट्रिपिंग ट्रॉली के लिए हम लोग ट्रैक्टर में से एक पाइप देते हैं, तो उसको उठाने के लिए, उसको गिराने के लिए हाइड्रोलिक का यूज होता है। अगेन आपका जो प्लाव आता है, तो प्लाव को रिवर्सिबल जो प्लाव होता है, तो उसमें हम लोग उसको रिवर्स करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज करते हैं। तो इसमें उसके नंबर ऑफ एप्लीकेशन है ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक सिस्टम के। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन पावर आउटपुट आप हमेशा याद रखिए, पीटीओ, ड्रॉवर एंड हाइड्रोलिक। ठीक है, तो उसमें से एक पावर आउटपुट हम लोग कल पढ़ चुके हैं पीटीओ, है ना। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशन किए थे टाइप्स ऑफ पीटीओ और उसका यूज और फंक्शन, सब चीजें हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलिक के बारे में। ठीक है, तो हाइड्रोलिक जो सिस्टम है ये पास्कल लॉ के ऊपर डिपेंड है ना, पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ होता क्या है कि आप समझिए कि कोई एक लिक्विड ले लिया आप लोगों ने, है ना, उस लिक्विड को आप लोगों ने एक क्लोज कंटेनर में भर दिया, और उस क्लोज कंटेनर में जो भरा हुआ लिक्विड है उसको आप कहीं से बाहर ही प्रेशर दे रहे हो, तो लिक्विड आपका इनकॉम्प्रेसिबल होता है, एयर कॉम्प्रेस हो जाता है लेकिन लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल होता है, लिक्विड कॉम्प्रेस नहीं हो सकता है। तो वो क्या करता है,
वो जो लिक्विड है जिस पे हम लोग बाहरी प्रेशर दे रहे हैं, वो लिक्विड इक्वल इंटेंसिटी के साथ जो भी कंटेनर है उस कंटेनर के सतह पे राइट एंगल में प्रेशर बनाना स्टार्ट करता है, और यही हमारा पास्कल लॉ कहता है। क्या कहता है कि किसी एक क्लोज कंटेनर में आपने एक लिक्विड भरा हुआ है और उस लिक्विड पे आप लोग बाहरी प्रेशर दे रहे हो, तो उस बाहरी प्रेशर की वजह से वो कंटेनर के अंदर वाला लिक्विड जो रहेगा वो इक्वल इंटेंसिटी के साथ कंटेनर की सतह पे राइट एंगल में प्रेशर बनाएगा, ठीक है। और इसी पास्कल लॉ के ऊपर आपका पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम डिपेंड होता है। अभी हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट्स हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम पूरा ऑयल के ऊपर चलता है, हाइड्रोलिक ऑयल के ऊपर। तो उसमें आपको क्या होना चाहिए, हाइड्रोलिक ऑयल होना चाहिए। उस ऑयल के लिए क्या चाहिए, आपको एक रिजर्वायर चाहिए उस ऑयल को स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहले बेसिक कंपोनेंट हो गया आपका रिजर्वायर, है ना, हाइड्रोलिक ऑयल के लिए रिजर्वायर। उसके बाद उस ऑयल को उठाने के लिए, है ना, लिफ्ट करने के लिए सिस्टम में आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर में ऑयल को भेजने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पंप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद उसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेंगे उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ वॉल्स रहेंगे, और उस वॉल से आपका जो भी ऑयल रहेगा वो ऑयल कहाँ पे जाएगा, सिलेंडर के अंदर जाएगा। और फिर सिलेंडर के अंदर जाने के बाद वहां पे आपकी कनेक्टिंग्स लगी होंगी, और उस कनेक्टिंग के माध्यम से हम लोग किसी भी चीज को लिफ्ट कर सकते हैं या फिर लोड कर सकते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट्स में क्या है, एक रिजर्वायर, एंड पंप, देन आपके वाल्व और सिलेंडर। तो यहाँ पे एक लाइन डायग्राम से हम लोगों ने समझाया है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे एक न्यूट्रल सिस्टम का अभी एक लाइन डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, एक रिजर्वायर है, रिजर्वायर से ऑयल कहाँ पे जा रहा है, पंप में, देन पंप से कहाँ पे जा रहा है, प्रेशर रिलीफ वाल्व में जा रहा है। अभी इसको भी देखेंगे प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या होता है। देन प्रेशर रिलीफ वाल्व से आपका डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में जा रहा है ना। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व क्या करता है, उसको डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है। किसी भी जो ऑयल आ रहा है तो उस ऑयल को कौन सी गैलरी में भेजना है, ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का डिसीजन होता है, ठीक है। और उसको हम लोग कहाँ से ऑपरेट करते हैं, जो भी हमारे पास लीवर होते हैं हाइड्रोलिक के, उस लीवर से हम लोग इस डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करते हैं। देन डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से ऑयल कहाँ पे जाएगा, सिलेंडर में जाएगा या फिर वापस रिजर्वायर में जाएगा, है ना। अगर हमें सिलेंडर को लिफ्ट करना है, ठीक है ना, अभी यहाँ पे आपने देखा होगा ये लिफ्ट हो रहा है, तो सिलेंडर को लिफ्ट करना है तो ऑयल को जो भी हमारा पंप से ऑयल आ रहा था रिजर्वायर में से पंप में, फिर पंप से ये कहाँ पे जाना चाहिए, ये जाना चाहिए इस गैलरी के साथ। तो इस गैलरी में जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे इस सिलेंडर के अंदर जो भी आपका पिस्टन रहेगा, पिस्टन के नीचे के साइड में ऑयल जैसे आएगा, तो ये क्या करेगा, पिस्टन को लिफ्ट कर देगा, मतलब पिस्टन को अपसाइड में पुश करेगा। जैसे ही आप साइड में पुश करेगा तो इसके ऊपर जो ऑयल था वो ऑयल यहाँ से होते हुए वापस कहाँ पे चला जाएगा, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से होते हुए वापस रिजर्वायर में चला जाएगा। अगेन अगर हमें इसको लोअर करना है तो लोअरिंग के टाइम पे क्या होगा, ये वाली जो ऊपर वाली जो गैलरी है ये गैलरी कहाँ पे कनेक्ट होगी, ये गैलरी कनेक्ट होगी आपकी, ये देखो ये वाली गैलरी कनेक्ट होगी इसमें, और इधर से रिजर्वायर में जाएगा, है ना। मतलब लोअरिंग के टाइम पे ये गैलरी, ये ऊपर वाली जो गैलरी है ये इसके साथ कनेक्ट होगी, और ये जो गैलरी आ रही है ये इसके साथ कनेक्ट होगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये अभी यहाँ पे वर्क करता है। अभी हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में जानते हो, तो हाइड्रोलिक सिस्टम में बेसिकली दो तरह के सिस्टम होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम देखेंगे तो उसमें दो टाइप्स होते हैं। इसमें एक होता है ओपन सेंट्रल सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सेंट्रल सिस्टम। ये दोनों टाइप्स आपने बुक्स में पढ़े होंगे, अपने थ्योरेटिकल पेपर्स में इसके बारे में लिखा होगा। तो ओपन सेंट्रल सिस्टम और क्लोज सेंट्रल सिस्टम अभी देख लेते हैं कि क्या होता है और दोनों में क्या अंतर होता है। तो ओपन सेंट्रल सिस्टम, इसके नाम से याद है कि भाई हमारा जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जो होगा, ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व सेंटर में हमेशा ओपन रहेगा, उस सिस्टम को हम लोग ओपन सेंट्रल सिस्टम बताएंगे, ठीक है। और क्लोज सेंट्रल सिस्टम में क्या रहेगा कि जो भी हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जो है वो न्यूट्रल पोजिशन में आपका क्लोज सेंटर हमेशा उसका क्लोज रहेगा, ठीक है। तो अभी इसको पहले ओपन सेंटर सिस्टम को समझते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली इमेज में आप जो ऑफसाइड में इमेज है उसमें आप देखिए कि इसमें कैसे ये वर्क कर रहा है। तो इसमें आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रिजर्वायर है, ठीक है,
पार्टिसिपेंट एक मिनट ज़रा वेट कीजिए। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे एक रिजर्वायर रहेगा, ठीक है, और रिजर्वायर से ऑयल कहाँ पे आ रहा है, पंप में, ठीक है। फिर पंप क्या करेगा, फ्लो देगा, है ना, एक डिस्चार्ज देगा। तो इसका डिस्चार्ज अगेन यहाँ पे दो गैलीज में जा रहा है, एक रिलीफ वॉल की तरफ जा रहा है और एक जा रहा है आपकी डायरेक्शन कंट्रोल वॉल की तरफ, ठीक है। पहले रिलीफ वॉल समझते हैं। तो रिलीफ वॉल का काम क्या होता है कि जब भी यहाँ पे सिस्टम में कोई अगर ज्यादा एक्सेस प्रेशर हो जाए, है ना, या फिर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, या फिर यहाँ पे कोई गैलरी चोक हो गई, तो उस टाइम पे ये पंप तो आपका कंटिन्यू, जैसे इंजन से पावर ले रहा है तो इंजन कंटिन्यू चलेगा, तो ये पंप भी कंटिन्यू चल रहा है और ये डिस्चार्ज देना बंद नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप होते हैं इसमें, ओपन ओपन सेंटर सिस्टम में। तो ये पंप डिस्चार्ज देना बंद नहीं करता है भले इधर सिस्टम में कितना भी प्रेशर क्यों ना बढ़ जाए। तो यहाँ पे ये प्रेशर बढ़ेगा तो उस टाइम पे ये क्या होगा, ये प्रेशर रिवर्स में जाएगा कहाँ पे, पंप में। तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो पंप आपका खराब हो जाएगा या फिर आपकी ये गैलरी ब्रेक हो जाएगी, है ना। तो दोनों चीजें हमें क्या उस टाइम पे रिप्लेस करना पड़ेगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर पंप रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसको पंप को बचाने के लिए या फिर गैलरीज को बचाने के लिए एक चीज लगानी होती है यहाँ पे, रिलीफ वाल्व। जैसे सिस्टम का प्रेशर बढ़ता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये रिलीफ वाल्व ये खुल जाता है। और रिलीफ वाल्व क्या होता है, एक टाइप का बाईपास है, ये जैसे प्रेशर बढ़ने की वजह से खुलेगा, सिर्फ ऑयल का प्रेशर जैसे बढ़ेगा तभी खुलेगा। तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, इस लाइन से सीधा, इस गैलरी से सीधा कहाँ पे भेज देगा, वापस ऑयल को रिजर्वायर में भेज देगा, मतलब पंप से आया, पंप से वापस रिजर्वायर में भेज देगा, है ना। अगर जब तक नॉर्मल आपका वर्किंग चल रहा है तो उस टाइम में आपका रिलीफ वाल्व खुलेगा नहीं। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये रिलीफ वाल्व बंद रहता है, तो उस टाइम पे पंप से आने वाला ऑयल कहाँ पे जाता है, सीधा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में। ओपन सेंटर सिस्टम में क्या होता है कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हमेशा यहाँ पे ओपन होता है, न्यूट्रल कंडीशन में। आपने कोई भी वाल्व, जो भी आपके कंट्रोल लीवर्स हैं, उस कंट्रोल लीवर्स को अगर आप लोगों ने नहीं चढ़ाया, कंट्रोल लीवर्स को नहीं चढ़ाया, मतलब ये हमेशा ये यहाँ पे ओपन रहेगा। जब आप कंट्रोल लीवर को छेड़ोगे तभी जाके डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व काम करना स्टार्ट करेगा, तभी जाके कोई और गैलरीज ओपन होगी, ठीक है। तो ये कंट्रोल वाल्व को अभी नहीं छेड़े हैं, न्यूट्रल पोजीशन में है, तो ये ऑयल यहाँ से होते हुए इस गैलरी के थ्रू ये कहाँ पे चला जाएगा, रिजर्वायर में चला जाएगा। मतलब ओपन सेंटर सिस्टम में जो ऑयल आपका रिजर्वायर से आता है और आपका सिस्टम न्यूट्रल है, तो उस टाइम से वो क्या करेगा, उस ऑयल को, पंप से आने वाला ऑयल को वापस रिजर्वायर में भेज देता है, ठीक है। अब ओपन सेंटर सिस्टम में अगर हमें किसी चीज को लिफ्ट करना है तो उस टाइम पे कैसे वर्क करेगा, देखो ऑयल रिजर्वायर से, सेकंड इमेज में देखना, अभी ऑयल रिजर्वायर से आया पंप में, देन पंप से ऑयल क्या होगा, डिस्चार्ज देगा पंप, वो ऑयल फिर जा रहा है आपका इस गैलरी, ठीक है। और जैसे हम लोगों ने अभी लिफ्ट किए हैं तो ये आपका स्पूल वाल्व का पोजिशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाली इमेज में स्पूल वाल्व यहाँ पे ओपन था, है ना, सेंटर में ओपन था। अभी सेकंड वाली इमेज में देखोगे तो ये सेंटर वाली ये जो गैलरी है, ये गैलरी यहाँ पे बंद हो चुकी है, मतलब ऑयल यहाँ से सीधा यहाँ पे नहीं जा रहा है। तो ये ऑयल बंद हो चुकी है ये गैलरी, तो ये अभी यहाँ से होते हुए ये नीचे वाली गैलरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और नीचे वाली गैलरी के साथ कनेक्ट करने के कनेक्ट किया होने की वजह से ये ऑयल सीधा आपका आ रहा है कहाँ पे, रिजर्वायर में, सॉरी सिलेंडर में। और सिलेंडर में आ रहा है तो ये सिलेंडर पिस्टन को पुश कर रहा है, और पिस्टन को पुश करने की वजह से इसका क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे लिफ्टिंग हो रहा है। और यहाँ पे जो ऊपर वाला ऑयल था, ये ऊपर वाला ऑयल वापस डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में, ये गैलरी जिसके साथ मिश्रण होने की वजह से ये ऑयल जा रहा है आपका वापस रिजर्वायर में। तो इस टाइम से ये यहाँ पे लिफ्टिंग करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्लोज सेंटर सिस्टम। तो क्लोज सेंटर सिस्टम में आपका जो भी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व रहेगा ये सेंटर में क्लोज रहेगा। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये जो लैंड है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का, ये लैंड यहाँ पे
आ गया है, मतलब इसको इसने क्या कर दिया, इस वाल को क्लोज कर दिया, इस गैलरी को क्लोज कर दिया। मतलब जब न्यूट्रल कंडीशन है, ट्रैक्टर हम लोग चला रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ हम लोग चला रहे हैं, तो उस टाइम पे ये हमेशा न्यूट्रल कंडीशन में ये क्लोज रहेगा। ठीक है, तो ये जैसे क्लोज रहेगा, तो अभी इसको हम लोग समझते हैं कि इसमें वर्किंग कैसे होता है। यहाँ पे रिजर्वायर में ऑयल आया, रिजर्वायर से ऑयल आने के बाद कहाँ पे जाएगा, पंप में जाएगा। ठीक है, फिर पंप में से ये डिस्चार्ज देगा, और डिस्चार्ज देने के बाद यहाँ पे आया और यहाँ पे देखा तो इसमें ये गैलरी क्लोज है, यहाँ तक ऑयल आया, यहाँ पे टैप हो गया, आगे नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन समझ जाएंगे कि इंजन से अगर जब पावर ले रहा है पंप, तो पंप कंटिन्यूस डिस्चार्ज देगा। लेकिन इसमें जो पंप यूज होते हैं, ये पंप कुछ अलग टाइप के होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप, है ना। तो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप में क्या होता है कि जैसे सिस्टम में कहीं पे प्रेशर बढ़ता है, तो ये डिस्चार्ज देना बंद कर देते हैं। सिस्टम में प्रेशर जितना बढ़ेगा, उस प्रेशर की हिसाब से ये डिस्चार्ज कम ज्यादा करते हैं, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप। और फिक्स डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप क्या करते हैं, उन्हों को प्रेशर से कुछ रिलेशन नहीं होता है, वो कितना भी प्रेशर गैलरी में बढ़ जाए वो कंटिन्यूस डिस्चार्ज देते रहेंगे। लेकिन वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप के प्रेशर पे वर्क करते हैं, जैसे सिस्टम में प्रेशर बढ़ता है तो ये क्या करता है, अपने डिस्चार्ज को वेरी करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोई भी यहाँ पे इसमें कौन सा वाल लगा था, रिलीफ वाल, है ना, प्रेशर रिलीफ वाल। तो यहाँ पे कोई भी प्रेशर रिलीफ वाल नहीं दिया गया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई भी प्रेशर रिलीफ वाल नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जैसे बढ़ेगा तो ये अपना अपना पंप भी वहां पे एक्ट हो जाएगा, और पंप एक्ट होते ही वहां पे आगे प्रेशर, मतलब आगे डिस्चार्ज नहीं जाएगा, तो प्रेशर का कोई मायने ही नहीं रखता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे न्यूट्रल कंडीशन में ये हमेशा सेंटर में क्लोज रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग इसकी लिफ्टिंग की बात करते हैं। तो लिफ्टिंग में क्या है कि जैसे हम लोगों ने उस लीवर को ऑपरेट किया, लीवर को ऑपरेट करने की वजह से ये स्क्रू वाल्व जो रहेगा, ये स्क्रू वाल्व आपका आगे रखेगा। जैसे आगे आगे गया, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गैलरी को ओपन करता है। ये गैलरी जैसे ओपन हो रही है, तो ये रास्ते से ये ऑयल आपका कहाँ पे जा रहा है, सिलेंडर के अंदर जा रहा है, सिलेंडर फिर पिस्टन को दिखाएगा, पिस्टन कनेक्टिंग को दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये जो ऑयल था ऊपर वाला, जो ये पिस्टन के ऊपर वाला जो ऑयल था, ये ऑयल जो था ये यहाँ इस रास्ते से होते हुए वापस आपके रिजर्वायर में चला जाता है। तो इसमें ओपन सेंटर सिस्टम एंड क्लोज सेंटर सिस्टम में दो बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो दो बेसिक डिफरेंसेस क्या है कि एक तो इस उसमें कौन सा पंप यूज हो रहा था, उसमें फिक्स डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप यूज हो रहा था, और इसमें यूज होने वाला पंप जो है ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप है। फिक्स डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप ये इंजन से पावर लेके कंटिन्यूअस डिस्चार्ज देते रहते हैं, उनको प्रेशर से कोई लेना देना नहीं होता है। और क्लोज सेंटर सिस्टम में जो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप यूज हो रहे हैं, ये प्रेशर पे ऑपरेट होते हैं, जैसे सिस्टम में प्रेशर बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग ये डिस्चार्ज देते हैं, प्रेशर के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद उसमें प्रेशर रिलीफ वाल्व वहां पे दिया हुआ था, उस सेंटर को बच उस सिस्टम को बचाने के लिए। क्लोज सेंटर सिस्टम में प्रेशर रिलीफ वाल्व नहीं होता है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो भी कंपोनेंट्स थे हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम के, अभी उसको बारी बारी से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है, कंपोनेंट उसमें है रिजर्वायर। ठीक है, रिजर्वायर से ही आपका हाइड्रोलिक सिस्टम शुरू होता है। तो रिजर्वायर के फंक्शन देखते हैं, तो ये हाइड्रोलिक ऑयल को स्टोर करने का एक कंटेनर होता है, एक जगह होती है कि जहाँ के हम लोग हाइड्रोलिक ऑयल को स्टोर करते हैं। उसी साथ ये क्या करता है, हीट को भी डिसिपेट करने का ये काम करता है। जो ऑयल आपका कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटर में घूमेगा, वो छोटी छोटी क्वांटिटी में घूमता है, पंप से जाता है, तो ऑयल वो हीटर हो जाता है। हीटर होने के बाद जब रिजर्वायर में आएगा, तो रिजर्वायर आपका उसका वॉल्यूम बड़ा होता है, और उसमें आने के बाद ये क्या हो जाता है, हीट को डिसिपेट करने का काम भी रिजर्वायर करता है। उसके बाद जो कॉन्टेमिनेशन होते हैं, कॉन्टेमिनेट पार्ट जो होते हैं, तो उसको सेटल डाउन करने का भी काम ये करता है। कंटेमिनेशन पार्ट मतलब कैसे कि जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल कंटिन्यूस मूव कर रहा है, तो हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल कंटिन्यूस मूव करने के वहां पे कहीं पे वेरिंग होगी, है ना। तो वेरिंग में कुछ पार्टिकल्स होंगे, मेटल पार्टिकल, वो क्या करता है, हाइड्रोलिक सिस्टम अपने हाइड्रोलिक ऑयल जो होता है ये अपने साथ लेके आ जाता है। तो वो जो ऑयल में जो कुछ भी कंटेमिनेट पार्ट हो, भले चाहे डस्ट हो, चाहे आपके मेटल के पार्टिकल्स हो, ये जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम के रिजर्वायर में आएंगे, तो रिजर्वायर में ये क्या हो जाते हैं, नीचे सेटल हो जाते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिजर्वायर देखते हैं। तो रिजर्वायर के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका कॉमन रिजर्वायर और दूसरा होता है सेपरेट रिजर्वायर। अब कॉमन रिजर्वायर और सेपरेट रिजर्वायर क्या है, तो कॉमन रिजर्वायर में ट्रांसमिशन प्लस हाइड्रोलिक, है ना, ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन और हाइड्रोलिक दोनों का एक ही रिजर्वायर रहेगा, मतलब जो ऑयल हमारा ट्रांसमिशन में डालोगे वही ऑयल आपका हाइड्रोलिक के लिए भी यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सेपरेट रिजर्वायर, तो सेपरेट रिजर्वायर में क्या होता है, हमारा हाइड्रोलिक के लिए अलग से रिजर्वायर होता है और ट्रांसमिशन के लिए अलग से रिजर्वायर होता है। पहले हमेशा कॉमन रिजर्वायर आते थे, सेपरेट रिजर्वायर अभी अभी आने लगे, क्यों कि आप देख रहे हो कि ट्रांसमिशन में नंबर ऑफ गियर्स वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ गियर्स वहां पे प्रेजेंट है, वो वहां पे कंटिन्यूअस गियर्स का वेरिंग कंटिन्यूअस होता है। तो गियर्स का जैसे वेरिंग होता है तो वहां पे मेटल पार्टिकल्स और अदर जो भी कंटिन्यूशन है वहां पे ज्यादा रहता है। तो वही ऑयल हम लोग हाइड्रोलिक में जब यूज करते हैं तो हाइड्रोलिक में प्रेशर पे वर्क कर रहा है, उसके साथ यहाँ पे कंटिन्यूटेड ऑयल अगर आपका आ रहा है वहां पे तो वो ज्यादा हीटेड होता है, तो इसको और वहां पे ज्यादा वेरिंग हाइड्रोलिक सिस्टम का होता है, इसको बचाने के लिए क्या कर दिए, सेपरेट रिजर्वायर दे दिए। लेकिन अभी भी बहुत सारे रिएक्टर्स कंपनीज हैं कि वो कॉमन रिजर्वायर दे रही है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोलिक पंप। तो सबसे पहले हमने जो भी पार्ट है वो क्या था, हाइड्रोलिक रिजर्वायर। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोलिक पंप। तो हाइड्रोलिक पंप जो होता है ये हाइड्रोलिक सिस्टम का हार्ट होता है ना, जहां से भी जो भी चीज है ये हाइड्रोलिक पंप भी ऑपरेट करता है, मतलब हाइड्रोलिक पंप ऑपरेट करता है, मतलब हाइड्रोलिक पंप कंटिन्यूस फ्लो देगा तभी जाके ये आगे हाइड्रोलिक सिस्टम चलने वाला है, तभी जाके डायरेक्शन कंट्रोल का काम आने वाला है, तभी जाके सारी चीजों का काम आने वाला है। अगर ये पंप फेल हो जाता है डिस्चार्ज देने में तो कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क नहीं करता है। हाइड्रोलिक पंप जो होता है ये क्या काम करता है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को ये हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का ये काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम आपका हाइड्रोलिक पंप करता है। हाइड्रोलिक पंप बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका लाइव पंप और दूसरा होता है नॉन लाइव पंप। अब लाइव और नॉन लाइव पंप के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो लाइव पंप जो होता है हमारा ये डायरेक्ट इंजन से जो पावर लेने वाला जो पंप होता है वो होता है लाइव पंप, ठीक है। और नॉन लाइव पंप जो होता है ये ट्रांसमिशन से कहीं से पावर लेता है ना। अब लाइव पंप कहाँ कहाँ से पावर ले सकता है, आपके क्रैंक शाफ्ट के गियर्स हैं, क्रैंक शाफ्ट की पुलीज है, उसके बाद कैम शाफ्ट की गियर्स हैं, उसके बाद ये ले सकता है आपके फ्लाईव्हील के ऊपर जो रिंग गियर है वहां से, उसके बाद और एक कहाँ से पावर ले सकता है, ये आपके जो आगे जो पुली लगी होती है हम लोगों ने क्रैंक शाफ्ट के ऊपर, वो पुली से ये बेल्ट के माध्यम से ये पावर ले सकता है। मतलब इंजन जैसे स्टार्ट किया हम लोगों ने है ना, ट्रैक्टर मूव नहीं हो रहा है, बस इंजन स्टार्ट किया तो इंजन स्टार्ट होते ही ये आपका हाइड्रोलिक पंप डिस्चार्ज देना उधर स्टार्ट कर दिया, तो उस टाइप के जो पंप होते हैं वो हमारे लाइव पंप कहलाते हैं। नॉन लाइव पंप क्या होते हैं कि अगर हमारा इंजन स्टार्ट है और ट्रांसमिशन अभी हमारा स्टॉप है, मतलब इंजन स्टार्ट करके एक ही जगह पे ट्रैक्टर रुका हुआ है, तो उस टाइम पे जो हाइड्रोलिक पंप जो होता है वो डिस्चार्ज नहीं दे पाता है, क्योंकि यहाँ पे नॉन लाइव पंप में हम लोगों ने पावर कहाँ पे लिया, कहाँ से लिया होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम से पावर लिया होता है, तो ट्रांसमिशन सिस्टम आपका वर्क नहीं कर रहा है तो ये डिस्चार्ज नहीं देगा। तो नॉन लाइव पंप जो होते हैं जब भी हम लोग ट्रैक्टर स्टार्ट है, इंजन स्टार्ट है लेकिन ट्रैक्टर स्टेशनरी कंडीशन में है, तो उस टाइम पे नॉन लाइव पंप डिस्चार्ज नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो भी ट्रैक्टर आ रहे हैं सारे ट्रैक्टर्स में लाइव पंप आते हैं, तो अभी वो तो हमारे अकॉर्डिंग टू पावर हम लोग कहाँ से ले रहे हैं उससे हमारे लाइव और नॉन लाइव पंप के हम लोग कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग और एक कैटेगराइजेशन है हमारा हाइड्रोलिक पंप का, वो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से है, ठीक है, वो डिस्चार्ज और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से ये कैटेगराइजेशन है। तो उसमें बेसिकली दो तरह के पंप आते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ठीक है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते क्या है, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। अभी देखते हैं कि जैसे हमारा सेंट्रिफ्यूगल पंप होता है ना, सेंट्रिफ्यूगल पंप जो हमारा खेत में लगते हैं, हम लोग पानी उठाने के लिए जो पंप रखते हैं तो उसको हम लोग सेंट्रिफ्यूगल पंप बोलते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि उसका डिस्चार्ज अगर आप लोगों ने देखा होगा है ना, उसका डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है वॉल्यूम में, है ना, मतलब वो पंप बहुत ज्यादा डिस्चार्ज दे देता है। लेकिन वही डिस्चार्ज के हिसाब से उस पर प्रेशर अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो उसमें प्रेशर बहुत कम होता है, डिस्चार्ज ज्यादा रहेगा लेकिन प्रेशर कम रहेगा। और हम लोग लुब्रिकेशन का पंप लेंगे है ना, ट्रैक्टर का लुब्रिकेशन का पंप,
ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक का पंप लेंगे, है ना, और बहुत सारे जो पंप होते हैं ट्रैक्टर के अंदर यूज होने वाले छोटे छोटे पंप, वो पंप लेंगे। तो उसमें आप देखोगे कि डिस्चार्ज जो होता है, डिस्चार्ज बहुत कम रहता है, लेकिन उसके कंपेयर में, उसमें जो भी डिस्चार्ज हो रहा है उसके कंपेरिजन में उस ऑयल का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। मतलब ऐसे पंप जो डिस्चार्ज कम दे लेकिन प्रेशर ज्यादा दे, उसको हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप कहते हैं। ठीक है, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप मतलब ऐसे पंप आते हैं कि वो वॉल्यूम ज्यादा दे रहे हैं, डिस्चार्ज ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन प्रेशर कम दे रहे हैं, है ना। अभी इसके एग्जांपल मैंने बता दिया कि इसमें सेंट्रिफ्यूगल टाइप पंप जो आते हैं वो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप आते हैं, और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप में लुब्रिकेशन पंप एंड हाइड्रोलिक में यूज होने वाले जो पंप होते हैं वो आपको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप बोलते हैं उसको। उसके बाद है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप के अगेन टू टाइप्स आते हैं, फिक्स डिस्प्लेसमेंट एंड वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट। तो फिक्स डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप जो होते हैं उसमें आपका दो, कोई भी दो ये चीजें हैं उसके बीच में ऑयल को फंसा के ये डिस्चार्ज देते हैं, है ना, वो आगे हम लोग देखेंगे। और इसमें जो भी ये प्रेशर पे वर्क नहीं करते हैं, ये कंटिन्यूअस डिस्चार्ज देते जाते हैं, ये जहां से भी इनको पावर मिल रही है उस पावर को यूटिलाइजेशन करके ये कंटिन्यूअस डिस्चार्ज देते जाते हैं। लेकिन वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप में क्या होता है कि वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप में प्रेशर के अकॉर्डिंग आपका डिस्चार्ज वेरी करेगा। मतलब जैसे सिस्टम में प्रेशर बढ़ता है उसके हिसाब से यहाँ पे डिस्चार्ज ये वेरी करते रहता है, तो उसको हम लोग वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिक्स डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप में गियर टाइप पंप, वेन टाइप पंप एंड पिस्टन टाइप पंप, ये तीन टाइप फिक्स डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप में आते हैं। और गियर टाइप में अगेन एक्सटर्नल गियर टाइप, इंटरनल गियर टाइप एंड देन रोटर टाइप पंप। उसके बाद वेन टाइप में अनबैलेंस्ड वेन पंप, देन बैलेंस वेन पंप, पिस्टन टाइप में एक्सेल पिस्टन टाइप और रेडियल पिस्टन टाइप। अभी ये सारे जो पंप हैं हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले है एक्सटर्नल गियर टाइप पंप, इसको हम लोगों ने ट्रैक्टर के लुब्रिकेशन सिस्टम में भी देखा था। तो इसका वर्किंग अगर हम लोग यहाँ पे समझते हैं, तो कोई भी हाइड्रोलिक पंप अगर आप देखोगे तो उसमें सबसे पहले आप देखने वाली चीज है कि उसका इनलेट जो होगा ये इनलेट हमेशा बड़ा होगा, आउटलेट जो होगा आउटलेट छोटा होगा, क्योंकि ये प्रेशर से जनरेट होता है। प्रेशर आउटलेट जितना भी डिस्चार्ज आ रहा है वो डिस्चार्ज को आप लोग कितने कम आउटलेट से भेज रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये वहां पे प्रेशर जनरेट होता है। कोई भी पंप प्रेशर नहीं बनाता है, प्रेशर वॉल्यूम जो भी वॉल्यूम हम लोग भेज रहे हैं उसको बहुत कम एरिया से अगर हम लोग भेजेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे प्रेशर बनेगा। ठीक है, पंप प्रेशर नहीं बनाता, ये चीज आप लोग क्लियर कर लो। तो अभी इसका वर्किंग समझ रहे हैं, तो यहाँ से हम जो ये आपका ऑयल का वो यहाँ से ये हो रहा है ना, मतलब यहाँ से ये ऑयल को सक कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है कि दो गियर यहाँ पे लगे हुए हैं, ये एक गियर है ठीक है और ये एक गियर है। तो ये गियर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा होगा तो ये दूसरा गियर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। तो इसमें से ये गियर जो होता है ये गियर फ्री रहता है, और दूसरा जो ये गियर रहेगा ये गियर को कहीं से किसी शाफ्ट से पावर मिल रही होगी। मान लेते कि इसमें इस गियर को शाफ्ट से पावर मिल रही है ठीक है, और ये गियर जो है ये गियर फ्री है। तो जैसे ही ये गियर क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसके साथ ये गियर इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, दो गियर हो गए, ये इसका इनलेट हो गया, ये इसका आउटलेट हो गया, ऊपर वाला आउटलेट है नीचे वाला इनलेट। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये केसिंग है ना हाइड्रोलिक, ये जो एक्सटर्नल गियर पंप है ये इसका एक केसिंग है, और ये केसिंग और ये टीथ इनके बीच में ऑयल फंस रहा है और ये कैरी करके यहाँ तक लेके जा रहा है। अभी हम लोग देखते हैं ऑयल यहाँ पे इन हुआ, यहाँ पे इन होने के बाद यहाँ पे ये क्या होगा कि ये एक टीथ देन अगेन एक टीथ इन दोनों टीथ के बीच में और यहाँ पे एक केसिंग के बीच में, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑयल लॉक हो रहा है। और इस ऑयल को ये क्या हो रहा है हर एक दो टीथ के बीच में ये कैरी करते 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 कहाँ तक लेके जाता है, यहाँ तक ले जाता है, और यहाँ पे एक डिस्चार्ज चेम्बर होता है। ठीक है, और अगेन सेम ये जो गियर है ये गियर भी वही करेगा, दो टीथ के बीच में ऑयल को फंसाएगा और इस ऑयल को लॉक करते हुए कहाँ तक लेके जाएगा, एक डिस्चार्ज चेम्बर तक लेके जाएगा। फिर डिस्चार्ज चेम्बर से यहाँ पे दो ओपनिंग बनती है, एक इधर आ सकता है और एक आउटसाइड में ये ऑयल जा सकता है।
यहाँ पे रिटर्न ऑयल तो नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे हमेशा दो टीथ के बीच में, मतलब यहाँ पे हमेशा तीन टीथ जो रहेंगे हमेशा मेश रहेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस गेयर की एक टीथ हो गया, ये एक टीथ हो गया, इन दोनों टीथ के बीच में ये एक टीथ यहाँ पे फंसा हुआ है और यहाँ पे इतना क्लियरेंस नहीं होता है कि ये ऑयल यहाँ से आके रिटर्न वापस आ जाए। तो ये ऑयल के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, यहाँ से डिस्चार्ज चैम्बर से होते हैं, ये जो आपका डिस्चार्ज जो लाइन है उस रास्ते से ये ऑयल वापस यहाँ पे बाहर चला जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे क्या है, इस टाइप से इसका वर्किंग होता है। अभी आप लोग इसका जो भी GIF फाइल है इसको आप लोग आराम से देखोगे तो समझ जाओ कि कैसे वर्क कर रहा है। देखो ऑयल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इन दोनों के बीच में फंस रहा है और यहाँ पे कैरी करके ये आ रहा है और यहाँ से ये बाहर चला जा रहा है। ठीक है, कुछ 5% से 10% तक ये जितना भी इसमें क्लियरेंस बढ़ गया होगा, वेरी बढ़ रहा होगा मतलब, तो ये 2 से 5% तक यहाँ से ऑयल वापस रिटर्न आ भी सकता है। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली चीज एक है कि यहाँ पे अगर आपकी जो भी केसिंग है, बॉडी है, वो बॉडी और ये टीथ, ये गियर की टीथ, इसके बीच में अगर आपका क्लियरेंस ज्यादा हो जाता है तो ये टाइप वाले पंप का डिस्चार्ज कम हो जाता है ना, डिस्चार्ज ये कम देने लगता है। ये जो एक्सटर्नल टाइप गियर पंप है ये मैग्नेटो ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक सिस्टम में आजकल यूज हो रहे हैं। एक्सटर्नल टाइप गियर पंप, एक्सटर्नल टाइप गियर पंप हाइड्रोलिक में भी यूज होता है, एक्सटर्नल टाइप गियर पंप लुब्रिकेशन सिस्टम में भी यूज होता है। नेक्स्ट हमारा इंटरनल गियर पंप, तो अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये इंटरनल गियर टाइप पंप के दो इमेज हम लोगों ने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इंटरनल गियर पंप में क्या रहेगा, दो गियर्स रहेंगे और दोनों गियर एक गियर के अंदर दूसरा गियर चलेगा। अभी यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये बाहरी गियर है, ये इनर, इसमें इनर साइड में टीथ बने होंगे। ठीक है, और ये दूसरा गियर है तो इसमें आउटर साइड में टीथ बनेंगे, मतलब एक इंटरनल गियर है और एक एक्सटर्नल गियर है ना। तो ये दोनों जो गियर्स हैं ये दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेंगे। एक्सटर्नल गियर टाइप पंप में क्या था कि एक क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, लेकिन इंटरनल टाइप गियर पंप में दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक है, दो गियर्स होंगे, उसके बाद यहाँ पे ये प्लेट देख पा रहे हो है ना, ये सेकंड वाली इमेज में देखिए, ये जो प्लेट है ये प्लेट को हम लोग बोलते हैं क्रिश्चियन प्लेट, जिसमें फर्स्ट वाली इमेज में भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस प्लेट को बोला जाता है क्रिश्चियन प्लेट। और ये प्लेट क्या करता है, ये प्लेट यहाँ पे जो भी ऑयल आ रहा है तो इंटरनल गियर का अलग ऑयल और एक्सटर्नल गियर जो है तो ये दोनों गियर्स के जो ऑयल आप कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं, आपके कांटेक्ट के साथ जो फंसा के लेके आ रहे हैं, तो उसको अलग अलग सेपरेट करने का काम यहाँ पे करती है। और उसी और इसका जो यहाँ पे जितना स्पेस था उस स्पेस को ये कम करने की वजह से यहाँ पे ये क्या होता है, प्रेशर भी यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका एक्चुअल वर्किंग देखते हैं। ऑयल यहाँ से इन कर रहा है, ठीक है, ऑयल यहाँ से इन करने के बाद क्या हो रहा है, देखो ऑयल यहाँ से इन किया, यहाँ से इन करने के बाद ये जो टीथ देख पा रहे हो, ये टीथ, ये वाला एक टीथ और ये वाला एक टीथ, इन दोनों टीथ और ये टीथ और ये टीथ, ये एक्सटर्नल गियर का, इसके बीच में ये सारा ऑयल यहाँ पे फंसा हुआ है। ठीक है, इतना ऑयल यहाँ पे फंसा, जैसे ये रोटेट करेगा तो ये आगे आगे जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगा, ये टीथ और ये टीथ के बीच में यहाँ पे कुछ ऑयल नीचे रह जाएगा क्रिश्चियन प्लेट के नीचे, और ये जो ऊपर वाला जो टीथ है, ये टीथ और ये टीथ, उनके बीच में यहाँ पे कुछ ऑयल यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक डिस्चार्ज चेंबर है, ये डिस्चार्ज चेंबर में यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, स्पेस बहुत कम है ना, यहाँ पे स्पेस कम है क्योंकि ये गियर ऊपर के साइड में लगा हुआ है, तो ये स्पेस कम होने की वजह से ये इस रास्ते से होते हुए ये क्या हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, ये इस रास्ते से कहाँ पे, यहाँ पे ये डिस्चार्ज इसका हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा ये जो टीथ होता है ये टीथ हमेशा कंटिन्यूसली मिस होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये ऑयल इस रास्ते से इधर नहीं आ सकता है ना। तो इस टाइप से जो गियर होते हैं, इस टाइप के गियर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल गियर पंप कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोटर टाइप पंप, ये रोटर टाइप पंप जो होता है, ये रोटर टाइप पंप आपका इंटरनल गियर टाइप पंप के जैसे ही होता है,
बस इसमें क्या होता है, रोटर होते हैं, इसमें गियर्स नहीं होते हैं, और ये रोटर के ऊपर टीथ नहीं होता है, रोटर के ऊपर रो होता है ना, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये एक इनर रोटर है, और ये पहाड़ जो पीले कलर का दिख रहा है ये एक आउटर रोटर है, ये वाला अंदर के साइड में इनर रोटर, ये इनर रोटर, और ये पीले कलर का जो है ये आउटर रोटर है। तो इसको भी इनर रोटर में पावर मिलती है, इनर रोटर आउटर रोटर को घुमाता है। इनर रोटर क्या करेगा, आउटर रोटर को घुमाएगा, और बस ये दो लोब्स के बीच में ये क्या करेंगे, ऑयल को लॉक करेंगे, और उस ऑयल को फिर डिस्चार्ज चैम्बर तक लेके जाएंगे, और डिस्चार्ज चैम्बर से ऑयल बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे और एक चीज समझने वाली क्या है, इसमें इसमें हमेशा इनर जो रोटर रहेगा उसमें एक लोब हमेशा कम रहेगा। अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो आउटर रोटर है इसमें कितने लोब्स हैं। आउटर रोटर में आप देखोगे एक लोब हो गया, एक दूसरा, एक सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फाइव, कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए आउटर लोब में, आउटर रोटर में। अब इनर रोटर में देखते हैं तो 1, 2, 3 और 4, इनर रोटर में सिर्फ 4 लोग हैं, ये 7, 6, 5, 4, इस टाइप से ही ये जो भी रोटर रहेंगे इस टाइप से ही उसमें लोग बने रहते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमेशा ये जो लोब होता है हमेशा कंटिन्यूस हमें एक जगह पे मेश करना होता है, इसीलिए इसमें एक लोब कम बना होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, बैलेंस टाइप पंप एंड अनबैलेंस टाइप पंप। ठीक है, बैलेंस टाइप पंप एंड अनबैलेंस टाइप पंप, तो ये वेन टाइप पंप के दो टाइप है, बैलेंस एंड अनबैलेंस। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो फर्स्ट इमेज है इसमें देखिए, तो ये है आपका बैलेंस टाइप पंप का जीआईएफ फाइल है, और यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस टाइप वेन टाइप पंप में क्या होता है कि इसके दो इनलेट्स रहेंगे, ठीक है, उसके साथ दो आउटलेट्स रहेंगे, मतलब इनलेट एक रहेगा लेकिन एक इनलेट से दो गैलरीज बन जाएगी इनलेट के लिए, पंप में एक्चुअल इनलेट दो रहेंगे और पंप में एक्चुअल आउटलेट भी दो रहेंगे, और दोनों आउटलेट को फिर हम लोग क्या करेंगे, एक आउटलेट से बाहर निकालेंगे, है ना। तो ऑयल यहाँ से इन हुआ, ठीक है, फिर ये दो गैलरीज में बढ़ गया, ये इस साइड जा रहा है इस रास्ते से, और दूसरा इस रास्ते से जा रहा है, ठीक, कहाँ पे ऊपर देखेंगे अभी, यहाँ पे एक इस रास्ते से होते हुए यहाँ पे इन हो रहा है, और एक दूसरा जो है ये इस रास्ते से होते हुए यहाँ पे इन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेंगे, चेम्बर्स भी 4 रहेंगे, दो इनलेट के लिए और दो आउटलेट के लिए। तो यहाँ पे ये जो हो गया ये इनलेट चेम्बर है, उसके बाद अप साइड में यहाँ पे देख रहे हो ये भी इनलेट चेम्बर है, उसके बाद यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये आउटलेट चेम्बर, अगेन ये आउटलेट चेम्बर। अभी इसका एक्चुअल वर्किंग क्या होता है कि यहाँ पे एक रोटर होता है, ये जो बीच वाला देख पा रहे हो ये रोटर है ना, ये पूरा रोटर है, और ये रोटर सॉलिड रोटर होता है, और ये सॉलिड रोटर में क्या होता है कि इसमें कटिंग दी जाती है, इसमें क्या रहेंगी, कटिंग रहेंगी कहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ कट है, देखो यहाँ पे एक कट है, यहाँ पे एक कट है, यहाँ पे एक कट है, मतलब ये नंबर ऑफ कट्स उस सॉलिड रोटर में दिए जाते हैं, उस सॉलिड रोटर में नंबर ऑफ कट्स जब दिए रहेंगे तो उस कट्स में क्या है, पत्तियां डलती हैं स्टील, है ना, उस कट्स में क्या रहेंगी, स्टील की पत्तियां डलेंगी, और ये छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, और ये आसानी से उस जो कट रहेगा उस कट में आसानी से बाहर भी जा सकती है अंदर भी आ सकती है। ठीक है, ये बाहर भी जा सकती है और अंदर भी आ सकती है, और ये जो रोटर रहेगा, एक रोटर एक अंडे आकार शेप में एक वहां पे स्पेस बना होगा, उस स्पेस में ये कंटिन्यूस घूमते रहता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे ही ये रोटर घूमेगा तो उसमें जो पत्तियां पड़ी हुई हैं वो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स की वजह से ये क्या रहेंगे, बाहर जाएंगी सेंट्रिफ्यूगल फोर्स की वजह से, और यहाँ पे जहाँ पे उसमें बाहर जाने के लिए जगह नहीं होगी वहां पे क्या होगी, वो बाउंड्री की वजह से वो क्या रहेंगी, ये अंदर के साइड दब जाएगी। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये पत्ती पूरी अंदर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ओपनिंग या फिर यहाँ पे कुछ जगह नहीं है, उसको यहाँ पे क्लियरेंस कम है, तो यहाँ पे ये दोनों पत्तियां अंदर दब गई है। ठीक है, लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे अंडाकार शेप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे स्पेस ज्यादा होने की वजह से ये बाहर की साइड निकल गई है, अगेन ये भी बाहर की साइड निकली है, ये भी बाहर की साइड निकली है, मतलब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पे हो रहा है।
अभी यहाँ से ऑयल जैसे इन करेगा, तो इन करते समय यहाँ पे क्या होगा कि ये पत्तियां जैसे बाहर आएगी, तो ये दो पत्तियां क्या करेगी, ये वाली पत्ती और ये वाली पत्ती, तो ये दोनों भी जो वेन्स होती हैं, ये वेन्स क्या करेंगी, अपने साथ ऑयल को लॉक करेगी। ठीक है, अपने साथ ऑयल को लॉक करेगी और ये कैरी करके आगे निकल जाएगी। और जैसे जैसे आगे जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इसका स्पेस कम होता जा रहा है, तो ये स्पेस जैसे कम होगा ऑयल इसके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ये पत्ती पूरी इसके आउटर सरफेस पे टच है, तो यहाँ से ये आगे ऑयल नहीं जा सकता, ये सीधा आ जाता है आउटलेट चैम्बर में, और आउटलेट चैम्बर से ये ऑयल यहाँ से आउट हो जाता है। फिर अगेन ये जो पत्ती अंदर दबी थी, ये अगेन क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना स्टार्ट करती है। जैसे ही यहाँ पे बाहर निकलना स्टार्ट करती है, अगेन यहाँ पे इनलेट चैम्बर से ऑयल लीन होता है, और लीन होने के बाद ये फिर ये अगेन आउटलेट चैम्बर की तरफ जाएगा, और ये अगेन पीछा जाएगा, अगेन ये यहाँ से इन करेगा, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस इसमें चला रहता है। ठीक है, इसमें कंटिन्यूअस इस टाइप का प्रोसेस चलते रहता है। तो इसमें आपको देखने वाली चीज क्या है, वेन, तो इसमें वेन्स रोटर के अंदर लगी होती है, तो इसको हम लोग वेन टाइप पंप बोलते हैं, कौन सा बैलेंस है। अब नेक्स्ट है हमारा अनबैलेंस वेन पंप। तो अनबैलेंस वेन पंप में क्या रहेगा, इसमें भी एक रोटर रहेगा, ये भी एक अंडाकार शेप में ये रोटर चलेगा, और ये शेप में चल रहा है, तो उसी टाइम में ये जो वेन्स रहेगी, ये वेन्स जहाँ पे ओपनिंग है ये बाहर आएगी अपने साथ। देखो अभी यहाँ पे ओपनिंग ज्यादा है, तो यहाँ पे बाहर जा रही है, यहाँ पे बाहर आने के बाद ये अपने साथ ऑयल को कैरी करके लेके जाती है, और यहाँ से फिर ये डिस्चार्ज रहती है। यहाँ पे कम क्लियरेंस होने की वजह से ये वेन्स अपने आप अंदर दब जाती है और ऑयल को इधर आने नहीं देती है। तो इस टाइप से अनबैलेंस वेन पंप का वर्किंग है। अब बैलेंस एंड अनबैलेंस है ना, ये दो दोनों में अंतर क्या है कि अनबैलेंस में सिर्फ एक इनलेट रहेगा और एक आउटलेट रहेगा, और बैलेंस में क्या रहेगा, दो इनलेट एंड दो आउटलेट इसमें रहेंगे। ठीक है, पंप के अंदर रहेंगे, लेकिन बाहर तो एक ही इनलेट और एक ही आउटलेट दिखाई देगा। तो वहां पे क्या होता है कि बैलेंस टाइप पंप में वो क्या करता है कि फोर्स को दोनों साइड में बैलेंस करके रखता है, इसीलिए उस टाइप पंप को हम लोग बैलेंस टाइप पंप बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा एक्सियल पिस्टन टाइप पंप। तो एक्सियल पिस्टन टाइप पंप में क्या होता है कि आपका जो भी पंप जो होता है, ये पंप आपके एक्सिस के पैरेलल में जो भी शाफ्ट आ रही है उस के पैरेलल में ये डिस्चार्ज देता है। अभी कैसे, देखो यहाँ पे ये एक प्लेट है ना, ये प्लेट को रोटेट करने के लिए यहाँ पे एक शाफ्ट से कनेक्शन दिया है, ये शाफ्ट है और ये शाफ्ट इस प्लेट को रोटेट कर रहा है, मतलब ये इसका जो मेन शाफ्ट का एक्सिस कौन सा हो गया, ये एक्सिस हो गया इस शाफ्ट का मेन एक्सिस। ठीक है, और इस शाफ्ट के मेन एक्सिस के पैरेलल में ये पंप डिस्चार्ज देते हैं। अभी इसका डिस्चार्ज कहाँ से होगा, ये यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, और अगेन इसका डिस्चार्ज यहाँ से हो रहा है, मतलब इसके पैरेलल में जो भी मेन शाफ्ट उस प्लेट को ड्राइव दे रही है, उस शाफ्ट के पैरेलल में ये डिस्चार्ज देते हैं, इसलिए इसको एक्सियल पिस्टन टाइप पंप बोलते हैं। या फिर ये क्या करते हैं, उसी एक्सिस पे ये डिस्चार्ज देते हैं, मेन शाफ्ट के एक्सिस पे ये डिस्चार्ज देते हैं, उसके लिए इसको हम लोग एक्सियल पिस्टन टाइप पंप बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग एक्सियल पिस्टन टाइप पंप में इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, एक स्वैश प्लेट रहेगी, ये जो प्लेट देखती है इसको हम लोग बोलते हैं स्वैश प्लेट। ठीक है, ये स्वैश प्लेट रहेगी, और ये स्वैश प्लेट क्या रहेगी, एक एंगल पे चलती है हमेशा। ठीक है, एक एंगल पे चलेगी, मतलब यहाँ पे एक एंगल में एक कटी होती है, कभी इसका अगर ये एंगल पे चल रही है, मान लेते हैं ऐसे एंगल पे चल रही है, तो इस एंगल पे यहाँ पे अगर निचला हिस्सा भी आया है, ठीक है, और इसका ऊपरी हिस्सा यहाँ पे है, तो ये जैसे जैसे घूमेगी तो ये क्या करेगी, इसका ऊपरी हिस्सा यहाँ पे ला देगी और इसका निचला हिस्सा यहाँ पे ला देगी, मतलब ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा ये दोनों ये कंटिन्यूस रोटेट करके देती है ना। तो उसी की वजह से यहाँ पे इसके अंदर जो पिस्टन्स होते हैं, ये पिस्टन्स आगे पीछे इस प्लेट की वजह से ये पिस्टन्स के आगे पीछे लगते हैं। ठीक है, तो ये पिस्टन के अंदर वाल्स लगे होते हैं, यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कहाँ पे, यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है, उसके बाद अगेन यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एक वाल्व है, उसके बाद यहाँ पे एक वाल्व है, तो ये जो वाल्व है इसमें से ये दो जो वाल दिख रहे हैं ये नॉन रिटर्न वाल है ना, मतलब ये
ऑयल को रिटर्न नहीं होने देते, ये कि साइड से बस इसमें से ऑयल जा सकता है। मतलब मान लेते कि ऑयल इस साइड से जा रहा है तो इस साइड से वापस इसमें से रिटर्न नहीं आ सकता है, सिर्फ इस रास्ते से इधर जाएगा लेकिन इस रास्ते से वापस नहीं आएगा, है ना। तो इस टाइप का ये वाल्व यहाँ पे दिए होते हैं। अभी इसका वर्किंग समझते हैं। इसका वर्किंग समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हम लोग इसका एनिमेटेड जो भी जेब फाइल है उसको देखते हैं। तो अभी देखिए कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये आगे जैसे जा रहा है तो ये आगे जाते जाते ये ऑयल को क्या कर रहा है, पहले सक्शन हो रहा है, जैसे ये पीछे आता है तो ऑयल को सक कर लेता है, उसके बाद जैसे आगे जाएगा तो इस ऑयल को यहाँ से इस रास्ते से डिस्चार्ज देता है, है ना। जब इसमें सक्शन होगा तो उसमें उस टाइम पे यहाँ पे डिस्चार्ज देगा, जब यहाँ पे सक्शन चल रहा होगा तो उस टाइम पे यहाँ पे डिस्चार्ज देगा। सक्शन के लिए लो प्रेशर इनलेट जो रहेगा, इनलेट के लिए अलग लाइन रहेगी और प्रेशर के लिए पंप का अलग से आपका आउटलेट रहेगा, ठीक है। तो इसमें बस ये जो प्लेट है, ये प्लेट जैसे आगे पीछे हो रही है तो उसी टाइम पे ये सक्शन एंड आउटलेट इसका हो रहा है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेडियल पिस्टन टैंक पंप। तो रेडियल पिस्टन टैंक पंप जो होता है ये आपका एक कैमशाफ्ट होती है बीच में, तो ये कैमशाफ्ट के जैसे कैमशाफ्ट घूमेगी तो ये कैमशाफ्ट की घूमने की वजह से इसमें पिस्टन की इन एंड आउट वाली पोजीशन चलती है। मतलब पिस्टन इनसाइड आने वाला है या आउटसाइड जाने वाला है ये कैमशाफ्ट के घूमने की वजह से होता है, ठीक है। तो इसमें भी एक दोनों जो वाल्व होते हैं, दोनों वाल्व नॉन रिटर्न वाल्व नहीं होते, मतलब एक आउटलेट के टाइम पे खुलता है और एक सिर्फ इनलेट के टाइम पे खुलता है। मतलब यहाँ पे एक नॉन रिटर्न वाल्व लगा हुआ है तो यहाँ से ऑयल अगर सब हो रहा है तभी जाके ये वाल्व जो होगा ये ओपन होगा, ठीक है। और जब यहाँ पे ये आपका डिस्चार्ज दे रहा है, पिस्टन यहाँ से डिस्चार्ज आ रहा है, तो उस टाइम पे ये वाल्व नहीं ओपन होगा, उस टाइम पे सिर्फ ये वाल्व ओपन होगा क्योंकि ये इधर से नॉन रिटर्न वाल्व इधर से वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें इस टाइप के दो टाइप के यहाँ पे वाल्व हर एक इसमें दिए होंगे। तो अभी यहाँ पे एक एनिमेटेड देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही ये इधर जा रहा है, जो आपकी रोटेटिंग क्या है इस साइड में घूम रही है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है ऑयल को इन कर ले रहा है। तो जैसे इसका जो बड़ा वाला जो हिस्सा है ये इस साइड में आ रहा है तो ये पिस्टन को आगे धका रहा है, पिस्टन को आगे धकाते हैं ये ऑयल को आउटसाइड में भेज दे रहा है। तो ये रोटेटिंग कैम की वजह से ये इन एंड आउट करते रहता है, ठीक है। उसके बाद ये जो इस टाइप वाला जो पंप होता है, इस टाइप वाला पंप आपको मैसिव कन्वेक्शन का जो ट्रैक्टर है उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब रेडियल पिस्टन क्यों बोलते हैं हम लोग इसको, क्योंकि रेडियल पिस्टन मतलब क्या है कि ये जो है इसके जो शाफ्ट है उसके शाफ्ट के एक्सिस में ये पैरेलल नहीं, ये उसके एक्सिस के 90 डिग्री पे ये वर्क करता है, ठीक है। इसके जो भी ये 90 डिग्री पे इसमें वर्क ये कर रहा है, ठीक है। तो जो भी आपका रेडियल टाइप पिस्टन है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, पंप तो सारे हो चुके हैं अभी हमारे, अब वाल्व क्या होता है। कि जो भी हाइड्रोलिक सिस्टम जो होती है, हाइड्रोलिक सिस्टम वाल्व के वजह से ही वर्किंग करती है। तो कितने टाइप के इसमें वाल्व होते हैं, तो इसमें बेसिकली तीन तरह के वाल्व होते हैं। एक होता है आपका प्रेशर कंट्रोल वाल्व, दूसरा होता है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व और तीसरा होता है वॉल्यूम कंट्रोल वाल्व। तो प्रेशर कंट्रोल वाल्व जो होंगे ये स्पेसिफिक प्रेशर पे ये ओपन एंड क्लोज होंगे, है ना। तो इसमें सिंपल सी इसका अगर आप देखोगे तो इसमें सिंपल सी चीज़ें क्या होती है कि एक स्प्रिंग लगा देते हैं और स्प्रिंग के ऊपर एक बॉल दे देते हैं, ठीक है। और वो स्प्रिंग का क्या काम होता है कि वो स्प्रिंग जितना भी प्रेशर, अगर आप मान लेते हो कि 90 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे आपको उस वाल्व को ओपन करना है, तो आपको उस स्प्रिंग को ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा कि वो 90 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पे ही वो दबनी स्टार्ट हो, है ना। उसके पहले अगर आप 80 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर आप उस पर प्रेशर बना रहे हो तो वो दबती नहीं है। जब उसका एक्चुअल प्रेशर 90 है वो 90 केजी पर पे ही ये क्या होगी, ये वर्क करना स्टार्ट करेगी। तो सिंपल सा कंस्ट्रक्शन ये होता है इसका कि जैसे ही ये प्रेशर बढ़ेगा, है ना, जिसका उस जितने प्रेशर पे वो वाल्व को ओपन होना है उतना प्रेशर यहाँ पे अगर आता है तो उस टाइम पे वो स्प्रिंग दब जाती है। स्प्रिंग जैसे ही दबेगी तो यहाँ पे जो भी बॉल होती है, बॉल एक सीट पे बैठी होती है,
और ये एक साइड में ये बॉल सीट भी बैठी होगी, दूसरे साइड में ये स्प्रिंग से कनेक्टेड होगी। तो जैसे ही ये स्प्रिंग दबेगी, ये स्प्रिंग दबते ही ये बॉल क्या होती है, ये सीट अपनी छोड़ देते हैं, और ये सीट छोड़ते ही यहाँ पे उसके लिए रास्ता ओपन हो जाता है। तो प्रेशर कंट्रोल वाल्व जो होते हैं ये प्रेशर पे ऑपरेट होते हैं। सेकंड है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जो होंगे आपके, ये क्या काम करते हैं, ये आपके जो भी डीआरयू रहेगा या फिर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर में ये डायरेक्शन चेंज करने का काम करेगा। मतलब ऑयल का जो फ्लो आ रहा है, उस ऑयल को फ्लो को कौन से रास्ते से भेजना है, कौन से रास्ते में भेजना है, उसका ये काम डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का होता है। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये सेकंड वाली जो इमेज है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ऑयल का फ्लो अभी इस रास्ते से आ रहा है ना, ऑयल का फ्लो इस रास्ते से आ रहा है। इस रास्ते से आने के बाद इसकी एक ओपनिंग है और एक ओपनिंग है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक लैंप की वजह से ये ओपनिंग आपकी बंद है। इस वाल्व को अभी हम लोगों ने ऑपरेट नहीं किया है, तो ये अभी यहाँ पे बंद है, तो ये ऑयल इस रास्ते से ऊपर नहीं जा सकता इस लैंप की वजह से। तो इसके लिए एक ही रास्ता बचता है, तो इस रास्ते से ये अभी जा रहा है। अगर हम लोगों ने जैसे ही इस वाल्व को ऑपरेट किया, इसको अंदर दबाया, तो अंदर दबाते समय क्या होगा कि यहाँ पे जो पहली वाली ओपनिंग यहाँ पे क्लोज थी, पहले वाली गैलरी यहाँ पे क्लोज थी, अभी वो गैलरी ओपन हो चुकी है। तो ये वाली जो लैंड है, ये वाली लैंड अभी इस रास्ते में यहाँ पे आ चुकी है। तो इस रास्ते में से जैसे ही ये वाली लैंड आई, तो ये ऑयल जो था ये अभी इस रास्ते से जा नहीं सकता, तो ये अगेन इस रास्ते से बाहर चला जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग जैसे वॉल को ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन इसकी ऑयल को चेंज कर रहा है। ऑयल की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम लोग डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट वॉल्यूम कंट्रोल वाल्व। अब वॉल्यूम कंट्रोल वाल्व क्या होते हैं कि जहाँ पे हमें कितना वहाँ पे कितना डिस्चार्ज की अभी हमें जरूरत है, या फिर कितनी ऑयल की हमें वहाँ पे जरूरत है, कितने वॉल्यूम ऑफ ऑयल की जरूरत है, तो वहाँ पे जैसे स्पेसिफिक ऑयल की जरूरत रहेगी, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम कंट्रोल वाल्व का यूज करेंगे। ये बेसिकली एक नॉब होती है, ये नॉब यहाँ पे इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बेसिकली एक नॉब है, और इस नॉब को हम लोग क्या करेंगे, जहाँ से ऑयल जा रहा है ना, तो उस रास्ते में कम या ज्यादा करेंगे, है ना। उसको अगर अंदर लेके आएंगे तो इसका ऑयल तो कम होगा, और इसको अगर पूरा ओपन कर देंगे, फुली ओपन कर देंगे, तो इसका ऑयल तो ज्यादा रहेगा, है ना। तो इसको वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस टाइप के वाल्व को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो वाल्व आप समझ में आएंगे। अभी हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिक सिलेंडर, है ना। तो हाइड्रोलिक सिलेंडर के अंदर ही आपका मेन वर्क यहाँ पे होता है। हाइड्रोलिक सिलेंडर में जो भी आपका हाइड्रोलिक ऑयल आता है, और वो ऑयल क्या करता है, पिस्टन को दबाएगा। जैसे पिस्टन को दबाएगा, तो वो क्या, पिस्टन मतलब हाइड्रोलिक एनर्जी का यहाँ पे कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में अभी हो जाता है। पिस्टन दब गया, तो पिस्टन में जो भी कनेक्टिंग रहेगी, वो कनेक्टिंग लिफ्ट आर्म ऊपर या फिर नीचे करने का काम यहाँ पे अभी होता है। तो हाइड्रोलिक सिलेंडर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, और दूसरा होता है डबल एक्टिंग सिलेंडर, है ना। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, ट्रैक्टर का जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसमें सिंगल एक्टिंग सिलेंडर यूज होता है, लेकिन ट्रैक्टर का जो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग होता है उसमें डबल एक्टिंग सिलेंडर यूज होता है ना। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग हम लोग जब पढ़ेंगे तो डबल एक्टिंग सिलेंडर भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के बारे में देखते हैं, तो इसमें ऑयल के लिए जाने के लिए रास्ता और आने के लिए रास्ता एक ही ओपनिंग होती है। मतलब उसी रास्ते से ऑयल जाता है, और उसी रास्ते से वो ऑयल वापस आ जाता है। अब कैसे, देखिए जब हम लोग लिफ्ट करते हैं, है ना, इम्प्लीमेंट को लिफ्ट करते हैं, तो उस टाइम पे ऑयल इस रास्ते से जाता है, और जैसे ही इस रास्ते से जाएगा, ये क्या करेगा, इस पिस्टन को दबाएगा, पिस्टन के दबाने की वजह से कनेक्टिंग घटेगी, कनेक्टिंग की वजह से लिफ्ट आर्म बनेगी, लिफ्ट आर्म फिर क्या करेगी, इंप्लीमेंट को उठा देगी, है ठीक। तो ये हो गया अभी हमारा लिफ्टिंग का पोजीशन। अब जब हम लोग लोअरिंग करते हैं, तो लोअरिंग करते समय हम लोग यहाँ पे पिस्टन को नहीं लगाते, हम लोग क्या करते हैं, सर्किट में जो हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है उसको दबाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये वापस, ये ऑयल जो होता है, ये ऑयल वापस सर्किट में जाने लगता है। तो जैसे ही ये ऑयल सर्किट में जाने लगेगा, तो इसमें जो भी आपका इम्प्लीमेंट लगा होगा 3 पॉइंट लिंकेज पे, है ना, तो इम्प्लीमेंट 3 पॉइंट लिंकेज पे जब लगा होगा, तो वो इम्प्लीमेंट अपना वेट के कारण उस लिफ्ट आर्म को दबाता है, उस पिस्टन को दबाता है, वो ये पिस्टन क्या करता है, ये जो ऑयल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस ऑयल को
इस ऑयल पे प्रेशर बनाता है और इस ऑयल को अपने सर्किट के अंदर वापस भेजने का काम करता है। ठीक है, लिफ्टिंग तो हम लोग फोर्सफुली कर रहे हैं है ना, लेकिन लोअरिंग हम लोग इसमें क्या करते हैं, उस इंप्लीमेंट या फिर लिफ्ट आर्म के जो भी वेट रहेंगे उस वेट के कारण यहाँ पे आपकी लोडिंग होने वाली है। डबल एक्टिंग सिलेंडर में होता क्या है कि ये दोनों जो ओपनिंग्स होती है, ये दोनों ओपनिंग्स एक टाइम पे, अगर ये ओपनिंग जो है ये इनका काम करती है तो उस टाइम पे ये आउट का काम करती है, अगर ये इनका काम करती है तो उस टाइम पे ये आउट का काम करती है, मतलब ये रैंडमली चेंज होती है। अभी हम लोग इस वाली इमेज में हम लोग देखते हैं तो यहाँ से ऑयल इन हो रहा है, यहाँ से ऑयल इन हो रहा है, तो ये आपकी कनेक्टिंग जो है, ये कनेक्टिंग सॉरी पिस्टन जो है, पिस्टन इस साइड में रख रहा है, पिस्टन जैसे इस साइड में रखेगा तो ये कनेक्टिंग रॉड भी अंदर की साइड में खींच चली जाएगी। लेकिन उसी टाइम पे इस सेक्शन में है ना, इधर वाले जो सेक्शन में, इधर वाले जो चेम्बर में हमारा ऑयल जो प्रेजेंट था, ये ऑयल इस रास्ते से आउट होकर वापस सिलेंडर अपना जो भी हाइड्रोलिक सिस्टम है उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, अगर हम लोग ऑयल को इस रास्ते से देंगे, फ्लो को इस रास्ते से दे रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये पिस्टन इस साइड लगेगा और उसी टाइम पे यहाँ पे जो ऑयल प्रेजेंट है वो इस रास्ते से बाहर चला जाएगा, है ना। ये स्टीयरिंग के लिए हम लोग इस टाइप का सिलेंडर जो होता है डबल एक्टिंग सिलेंडर यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे हाइड्रोलिक कंट्रोल, है ना। तो ये चीजें अभी आपको समझने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हाइड्रोलिक कंट्रोल कितने होते हैं ट्रैक्टर में। तो तीन तरह के कंट्रोल होते हैं, एक होता है पोजीशन कंट्रोल, दूसरा होता है ड्राफ्ट कंट्रोल और तीसरा होता है मिक्स कंट्रोल। तो पोजीशन कंट्रोल आप लोगों ने एक लीवर देखे होंगे, तीन लीवर्स होते हैं या फिर दो लीवर होते हैं ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक में, तो बेसिकली दो लीवर वाले ट्रैक्टर्स होते हैं। तो एक पोजीशन कंट्रोल लीवर होता है, उसमें एक पीसी लीवर हम लोग जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है डीसी लीवर है ना, उसको वो होता है ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर। अब ड्राफ्ट के लिए सेट कैसे करते हैं फील्ड में, तो ड्राफ्ट सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों लीवर्स को नीचे कर देते हैं है ना, डीसी लीवर एंड पीसी लीवर। मान लेते हैं हम लोगों ने प्लाव लगाया है, प्लाव लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों लीवर्स को नीचे कर देंगे, दोनों लीवर नीचे करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लाव ट्रैक्टर को चलाएंगे। ठीक है, तो ट्रैक्टर को चलाने के बाद एक जगह ऐसी आएगी कि वहां पे आपका इंप्लीमेंट फंस जाएगा, प्लाव आपका फंस जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी वहां पे फुली ड्राफ्ट हम लोगों ने अभी सेट नहीं किया है, उस मिट्टी का हमें ड्राफ्ट पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर दोनों नीचे करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ड्राफ्ट लीवर को थोड़ा थोड़ा हल्का 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 उठाएंगे। जैसे हल्का हल्का उठाएंगे तो एक पोजीशन ऐसे आएगा कि इंप्लीमेंट आपका जर्क मारेगा, भले नीचे ही रहेगा लेकिन जर्क मारेगा। तो जैसे ही इंप्लीमेंट का जर्क आपको महसूस हुआ, तो उससे लेके हम लोग थोड़ा सा 1 या फिर 2 mm तक डीसी लीवर को और नीचे करके वहां पे डीसी लीवर को लॉक कर देते हैं। तो ऐसे हम लोग डीसी लीवर की हम लोग सेटिंग करते हैं। अब पोजीशन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल को लीवर को हम लोग कैसे और कहाँ पे ऑपरेट करते हैं, तो पोजीशन कंट्रोल लीवर को बेसिकली जब भी हमें ऐसा कोई इंप्लीमेंट लगा होगा कि उसमें सिर्फ पोजीशन मायने रखती होगी, तो उस टाइम पे हम लोग पोजीशन कंट्रोल लीवर को ऑपरेट करते हैं। अब पोजीशन कंट्रोल लीवर को कैसे ऑपरेट करेंगे कि जिस टाइम पे हमें सीड प्लांटिंग टेक्नोलॉजी मतलब सीड ड्रिल अगर हम लोगों ने लगाया है ट्रैक्टर के पीछे, तो सीडिल जब लगाते हैं तो उस टाइम पे हमें ड्राफ्ट की जरूरत नहीं होती है, वहां पे हमें एक्चुअल जैसे कि 5 सेंटीमीटर पे अगर हमें बीज अगर हमें डालना है तो वहां पे 5 सेंटीमीटर पे जाना चाहिए, इसीलिए हमें वहां पे पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, पोजीशन कंट्रोल लीवर की सेटिंग करते हैं, कितने पोजीशन पे चाहिए हमें है ना, तो उस पोजीशन पे हमें उस इंप्लीमेंट को लेके जाके वहां पे यूज करते हैं। अगर है ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर, तो ड्राफ्ट तो मैंने अभी बता दिया कि ड्राफ्ट अगर हमें जहाँ पे अनइवन लैंड है, हमारी अनइवन लैंड है या फिर जहाँ पे जो मिट्टी है, तो मिट्टी का ड्राफ्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मिट्टी प्लाउ लगाया तो आपको ड्राफ्ट सेटिंग करना ही पड़ेगा है ना, तो ड्राफ्ट टिलिंग जो इंप्लीमेंट होते हैं उस कंडीशन में हम लोग ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर का यूज करते हैं। अब मिक्स कंट्रोल कैसे कर रहे हैं कि जैसे प्लाउ लगाया है, प्लाव लगाते समय ड्राफ्ट तो हम लोगों ने सेट कर दिया लेकिन टर्न ले रहे हैं है ना, तो टर्निंग के टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, इंप्लीमेंट को ऊपर उठाना पड़ता है। इंप्लीमेंट को ऊपर उठाने के हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन कंट्रोल लीवर से उस टाइम पे हम लोग इंप्लीमेंट को ऊपर नीचे उठाते हैं। अब जो किसान भाई होते हैं, तो किसान भाई ड्राफ्ट की सेटिंग कभी नहीं करते फील्ड में जाते, वो क्या करते हैं ड्राफ्ट लीवर को नीचे पूरा कर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं पोजीशन लीवर जो होता है आपका पीसी लीवर, पीसी लीवर पे एक हाथ रखे रहते हैं है ना, हाथ रखे रहते हैं और
इंक्रीमेंट को चलाते हैं, प्लाव को चलाते रहते हैं। जहाँ पे उनको लगा कि इंक्रीमेंट फंस रहा है, अभी प्लाव फंस रहा है, तो उस पीसी लीवर को उठाएंगे, है ना, आगे जाके फिर से पीसी लीवर को नीचे करेंगे, फिर से फंसा फिर से ऊपर उठाएंगे, इस टाइप से वो चलाते हैं। तो इस टाइप से नहीं चलाना है, पहले जाके ड्राफ्ट की सेटिंग कर लेनी है फील्ड में जाके, उसके बाद टर्निंग के टाइम पे हमें पीसी लीवर की जरूरत पड़ती है ना। अभी ये जो लीवर्स हैं, ये इस टाइप से 3 लीवर्स आपके ट्रैक्टर के जो भी सेक्टर प्लेट असेंबली होगी उसमें ये 3 लीवर्स आपको वहां पे दिखेंगे। तो ये 3 लीवर्स में एक लीवर होता है ड्राफ्ट कंट्रोल के लिए, अभी यहाँ पे ब्लैक लीवर जो शो हो रहा है ये ड्राफ्ट कंट्रोल के लिए है, येलो लीवर जो है ये पोजिशन कंट्रोल के लिए है, और ये रेड लीवर जो है ये रेड लीवर आपके ड्राफ्ट की जो भी आपका डीसी लीवर है, तो ये डीसी लीवर को स्टॉप करने के लिए या फिर डीसी लीवर की सेटिंग करने के लिए ये आपका ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर, ये अगेन ये फिंगर टिप लीवर दिया होता है। ठीक, तो इसका कोई बेसिकली कनेक्शन कहीं भी नहीं होता है, बस इसको लॉक करने के लिए, जो डीसी लीवर जो हमारा होता है, तो ये डीसी लीवर को लॉक करने के लिए ये आपका फिंगर टिप लीवर दिया होता है। ठीक है, इसमें एक चीज आपने देखी होगी कि एक लीवर छोटा आता है, एक लीवर बड़ा आता है, तो जो बड़ा लीवर होगा वो हमेशा पोजिशन कंट्रोल लीवर रहेगा, और जो छोटा लीवर रहेगा ये छोटा लीवर आपका डीसी लीवर होता है। मैक्सिमम ट्रैक्टर में क्या होता है, डीसी लीवर आपके ट्रैक्टर ड्राइवर के साइड में रहता है और पीसी लीवर उसके बाहर ही रहता है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इसकी हाइट छोटी बड़ी हो या फिर ये इस साइड में रहेगा वो उस साइड में रहेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। कोई कोई ट्रैक्टर्स में दोनों जो लीवर्स होते हैं, दोनों लीवर्स आपके सेम हाइट के भी आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आइसर ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उस डिस्ट्रीब्यूटर में आपका एक्चुअल कैसे हाइड्रोलिक ऑयल शो होता है ये हम लोग अभी देखेंगे, है ना, इसको जरा ध्यान से देखना, अगर आप सही तरीके से नहीं देखोगे तो ये आप समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से ऑयल कहाँ से आएगा, रिजर्वायर से। ठीक है, रिजर्वायर के बाद एक सक्सेस ट्रेनर होगा, सक्सेस ट्रेनर में ऑयल थोड़ा सा वो क्लीन होगा, उसके बाद कहाँ पे जाएगा, हाइड्रोलिक पंप में, है ना, हाइड्रोलिक पंप ने रिजर्वायर से ऑयल को सक किया। ठीक है, हाइड्रोलिक पंप डिस्चार्ज देगा, तो डिस्चार्ज देने के बाद ये जिस गैलरी से ऊपर जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे 3 गैलरीज में ये ऑयल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक गैलरी ये जा रही है, एक गैलरी आपका ये स्पूल वहाँ की तरफ जा रही है, और एक गैलरी आपकी ये पंप शक्ति वहाँ की तरफ जा रही है ना। तो यहाँ पे पहले हम लोग बेसिक चीजें देख लेते हैं कि कहाँ पे है। यहाँ पे ये जो है ये स्पूल वाल है ना, ये स्पूल वाल क्या है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल है, मतलब ये ही हम लोग जो लीवर्स को ऑपरेट करेंगे, तो ये लीवर्स को ऑपरेट करने के बाद ये ही वॉल आगे पीछे होने वाला है ना। तो उसके बाद अगेन यहाँ पे एक वॉल है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल वॉल। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर है, फिल्टर से सीधा ऑयल कहाँ पे आता है, रिजर्वायर में आता है। उसके बाद यहाँ पे चेक वॉल है, चेक वॉल एक नॉन रिटर्न वॉल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में, नॉन रिटर्न वॉल बोल लो या फिर वन वे वॉल बोल लो, तो ये एक ही डायरेक्शन में ऑयल को फ्लो करेगा। अगेन यहाँ पे एक मोर सिलेक्टर वॉल है, इसका भी वर्क बताएंगे कि मोर सिलेक्टर वॉल कहाँ पे होता है। उसके बाद एक सिलेंडर सेफ्टी वाल है, ये सिलेंडर सेफ्टी वाल क्या होता है, ये सिलेंडर को बचाने के लिए होता है। यहाँ पे एक रैम सिलेंडर एंड उसकी असेंबली, रैम सिलेंडर देन कनेक्टिंग एंड देन बेलन का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेंडर सेफ्टी वाल और यहाँ पे पंप सेफ्टी वाल, तो ये दोनों सेफ्टी वाल का काम क्या होता है कि ये दोनों सेफ्टी वाल जो होती हैं, ये आपकी सिलेंडर सेफ्टी वाल सिलेंडर को बचाने के लिए और पंप सेफ्टी वाल पंप को बचाने के लिए होता है। अब कैसे, कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने इसको लॉक कर दिया है ना, इम्प्लीमेंट ऊपर उठा के लॉक कर दिया है, या फिर इम्प्लीमेंट यहाँ पे ऑयल पूरा भर गया है और ये रिटर्न नहीं जा पा रहा है, रिटर्न नहीं जा पा रहा है, और यहाँ पे एकदम से प्रेशर आ रहा है इम्प्लीमेंट में, जर्किंग आ रही है या फिर प्रेशर आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये ऑयल, ये ऊपर से जर्किंग आने की वजह से ये ऑयल क्या होगा, ये इस साइड में धकेगा, लेकिन ऑयल तो इनकॉम्प्रेसिबल है, ऑयल इनकॉम्प्रेसिबल होने की वजह से ये ऑयल क्या करेगा, इस गैलरीज को कहीं पे फाड़ देगा, है ना, गैलरी को तोड़ देगा, तो उसको बचाने के लिए, या फिर सिलेंडर को ब्रेक कर देगा। उसको बचाने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे सिलेंडर चलती है, जहाँ पे भी सिलेंडर के अंदर अगर एक्सेस प्रेशर बढ़ जाए ऑयल का, तो उस टाइम पे ये सिलेंडर सेफ्टी वाल्व ओपन हो जाता है और यहाँ से ऑयल सीधा रिजर्वायर में चला जाता है। अब पंप सेफ्टी वाल्व की बात कर लेते हैं, तो पंप सेफ्टी वाल्व की देखिए, यहाँ पे ये ऑयल यहाँ पे जा रहा है, ये ऑयल यहाँ पे जा रहा है, सारी ओपनिंग अगर चौक होगी, है ना, यहाँ से आगे ऑयल नहीं जा पा रहा है, और यहाँ पे ये ओपनिंग जो है, ये ओपनिंग चौक हो गई है, तो यहाँ से ऑयल आगे नहीं जा पा रहा है,
उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो है ये पूरा ऑयल का प्रेशर जो रहेगा ये हाइड्रोलिक पंप के ऊपर आ जाएगा, है ना। तो हाइड्रोलिक पंप के ऊपर आने के बाद यहाँ से ये पंप खराब हो सकता है, तो उस इस पंप को बचाने के लिए ये आपका पंप सेफ्टी वाल्व होता है। ये पंप सेफ्टी वाल्व जैसे ही यहाँ पे प्रेशर पड़ता है ना, इस ऑयल का प्रेशर पड़ता है और ये आगे नहीं जा पा रहा है, तो उस टाइम पे पंप सेफ्टी वाल्व ओपन होता है, और ये पंप सेफ्टी वाल्व ओपन होते ही यहाँ से ये ऑयल का डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका एक्चुअल फ्लो देखना स्टार्ट करते हैं। तो ऑयल कहाँ से, रिजर्वायर से, सबस्टेशन से, हाइड्रोलिक पंप में आया। हाइड्रोलिक पंप में आने के बाद ये यहाँ से 3 गैलरीज में पड़ गया, एक गैलरी जा रही है पंप सेफ्टी की तरफ, एक जा रही है स्पूल वाल्व की तरफ, और एक गैलरी जा रही है आपकी डिफरेंशियल वाल्व की तरफ। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं स्पूल वाल्व की। तो स्पूल वाल्व में 3 पोर्ट है, मतलब 3 होल्स है छोटे छोटे, और ये 3 होल्स में से ही ऑयल का आपका इंटरचेंज होने वाला है। तो ये सबसे पहले एक नंबर वाला जो पोर्ट है ये ओपन है, 2 नंबर वाला पोर्ट बंद है, और 3 नंबर वाला पोर्ट बंद है ना। न्यूट्रल कंडीशन अभी हम लोग देख रहे हैं। तो न्यूट्रल कंडीशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने लीवर को छेड़ा नहीं है, तो उस टाइम है 2 नंबर बंद, 3 नंबर बंद, 1 नंबर वाला जो भी आपका पोर्ट है ये ओपन है। तो 1 नंबर वाले पोर्ट ओपन होने की वजह से यहाँ से ऑयल 1 नंबर वाले पोर्ट में आएगा, और यहीं पे ट्रैप हो जाएगा, यहाँ से आगे जाने के लिए इसमें रास्ता नहीं है। उसके बाद ये गैलरी कहाँ पे जा रही है, पंप सेफ्टी वाल्व में जा रही है। तो पंप सेफ्टी 190 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वेयर को ओपन होगा, है ना। तो यहाँ पे उतना प्रेशर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ये गैलरी भी यहाँ पे आगे ऑयल फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे यहाँ तक तो ऑयल आएगा, और यहाँ पे इतना प्रेशर नहीं बनने की वजह से ये ऑयल यहाँ पे आगे उस पंप सेफ्टी वाल्व को खोल नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये गैलरी में यहाँ तक गया, ये गैलरी में यहाँ तक गया। उसके बाद जो भी ऑयल रहेगा, ये ऑयल इस रास्ते से होते हुए कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा आपके डिफरेंशियल वाल्व में, ठीक है। तो डिफरेंशियल वाल्व में यहाँ पे ये क्या करेगा, ये डिफरेंशियल वाल्व को ओपन कर देगा इसके प्रेशर की वजह से, और जैसे ही ये ओपन होगा तो इस रास्ते से ये फिल्टर में जाएगा, और फिल्टर से ये वापस कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा उसके रिजर्वायर में, ठीक है। ये यहाँ से आगे भी आएगा, लेकिन यहाँ से आगे आने के बाद ये जो होता है चेक वाल्व का प्रेशर ज्यादा होता है डिफरेंशियल वाल्व के प्रेशर से, मतलब चेक वाल्व की स्प्रिंग ज्यादा टाइट होती है डिफरेंशियल वाल्व की स्प्रिंग के कंपेरिजन में। तो पहले ही ये वाल्व ओपन हो जा रहा है, तो ये वाल्व यहाँ पे आने के बाद भी इस चेक वाल्व को ओपन नहीं कर पाए, तो यहाँ से सीधा वापस आपका रिजर्वायर में ऑयल चला गया। तो इस टाइप से न्यूट्रल पोजिशन में इस टाइप से वर्किंग होता है ना। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या ओपन और क्लोज है। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज ओपन होती है, कौन सी, पोर्ट नंबर, ये 3 पोर्ट में से पोर्ट नंबर 1 ओपन होता है, ठीक है। पोर्ट नंबर 2 क्लोज, पोर्ट नंबर 3 क्लोज, देन डिफरेंशियल वाल्व ओपन होता है, चेक वाल्व, डिफरेंशियल वाल्व ओपन है, चेक वाल्व क्लोज है। अभी हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं इंक्रीमेंट को, जब हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं इंक्रीमेंट को, ऊपर उठा रहे हैं, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, अभी पीछे देखिए जिस वाल्व की पोजिशन देखिए, इस वाल्व में नंबर 1 ओपन था, 2 एंड 3 क्लोज थे, है ना। अभी ये हम लोग जब इंक्रीमेंट को ऊपर उठाएंगे, तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पोर्ट नंबर 2 ओपन कर देगा। इसको थोड़ा सा बाहर खींचते हैं, थोड़ा सा बाहर खींचने की वजह से ये क्या हो जाता है, पोर्ट नंबर 2 ओपन हो जाता है। और जैसे ही ये पोर्ट नंबर 2 ओपन होगा, अभी हम लोग देखते हैं कि पंप से ऑयल आया, पंप से ऑयल आने के बाद वापस कहाँ पे जाएगा, पंप सेफ्टी में, पंप सेफ्टी नहीं खुलने वाला है। उसके बाद 2 रास्ते में जाएगा, एक कहाँ पे जा रहा है, 1 नंबर वाले पोर्ट में, तो इसे अभी लिफ्टिंग के समय 1 नंबर वाला पोर्ट और 2 नंबर वाला पोर्ट दोनों पोर्ट ओपन है, तो 1 नंबर वाले पोर्ट से ऑयल कहाँ जाएगा, 2 नंबर वाले पोर्ट में, और 2 नंबर वाले पोर्ट में से जो ऑयल जा रहा है, इसकी एक ओपनिंग है कहाँ पे, डिफरेंशियल वाल्व के पीछे में, तो ये ऑयल यहाँ पे जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ पे इसके सिर्फ पीछे जा रहा है, इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कोई आगे ओपनिंग नहीं है, ये ओपनिंग कैसे थी, इस रास्ते से यहाँ पे थी, है ना। तो यहाँ पे ऑयल आने के बाद यहाँ पे ये ट्रैप हो जाएगा, कहाँ पे, डिफरेंशियल वाल्व के पीछे जाके ये बैठ जाएगा, ठीक है। तो जो ऑयल यहाँ पे एक बार चला गया, उसके बाद आगे ऑयल यहाँ पे भी नहीं जा पाएगा, तो ये आगे इस रास्ते से होते हुए इस रास्ते से होते हुए कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है डिफरेंशियल वाल्व की तरफ, इस रास्ते से होते हुए ये गया अभी डिफरेंशियल वाल्व के यहाँ पे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि डिफरेंशियल वाल्व जो है, ये डिफरेंशियल वाल्व यहाँ पे ओपन नहीं हो पाएगा,
अब ये ओपन क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्प्रिंग का प्रेशर है इस वॉल के ऊपर और अगेन इस ऑयल का प्रेशर है, और ये ऑयल का प्रेशर और ये ऑयल का प्रेशर दोनों इक्वल है ना। ये जो ऊपर से आ रहा है ये इसका भी प्रेशर इक्वल है और इसका भी प्रेशर इक्वल है, लेकिन ये प्रेशर के साथ यहाँ पे स्प्रिंग का भी प्रेशर है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो ये जो ऑयल आ रहा है ये क्या करेगा, इस वॉल को यहाँ पे पीछे नहीं रखा पाएगा, तो ये ओपन नहीं होता है। ये ओपन नहीं होगा तो ये ऑयल कहाँ पे जाएगा, सीधा जाएगा आपके चेक वॉल में, ठीक है। और चेक वॉल में जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ते ही ये ऑयल नीचे आएगा इस गैलरी से। इस गैलरी से आने के बाद अगेन दो रास्ते हैं इसको, इस रास्ते से स्पूल वॉल की तरफ भी जा सकता है और इस रास्ते से ये सिलेंडर की तरफ भी जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे स्पूल वॉल में जाएगा तो यहाँ पे पोर्ट नंबर थ्री जो है, पोर्ट नंबर थ्री क्लोज है आपका, तो ये आपका ऑयल इसमें वापस नहीं जा पाएगा। तो ठीक है, तो ये यहाँ से आपका मोड सिलेक्टर वॉल से होते हुए ये कहाँ पे जाएगा, सिलेंडर सेफ्टी वॉल में, और सिलेंडर सेफ्टी वॉल से अगेन कहाँ पे जाएगा, ये रैम सिलेंडर में, और रैम सिलेंडर में जाएगा ये पिस्टन को दिखाएगा, पिस्टन को दिखाने के बाद कनेक्टिंग को दिखाएगा, कनेक्टिंग लिफ्ट आर्म जो होती है ट्रिपल लिंकेज में, जो आप लिफ्ट आर्म देखी होगी आप लोगों ने, तो उस लिफ्ट आर्म को ऊपर उठा देगी और ऊपर उठाने के बाद आपका इंक्रीमेंट लिफ्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से ये आपका लिफ्टिंग सर्किट वर्क करता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं लोअरिंग सर्किट, लोअरिंग सर्किट कैसे वर्क करता है। तो अब लोअरिंग सर्किट जो है, तो लोअरिंग सर्किट में इंप्लीमेंट को लोअरिंग करने के लिए हमें इसके पीछे जो सिलेंडर में पिछले साइड में यहाँ पे जो ऑयल था, इस ऑयल को हमें निकालना पड़ेगा। तो उस ऑयल को निकालने के लिए हमें इस वॉल को पहले ऑपरेट करना पड़ेगा, इस वॉल को ऑपरेट करके तीन नंबर वाला पोर्ट ओपन करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोगों ने अभी क्या कर दिया, वॉल जो भी आपका पीसी लीवर एंड डीसी लीवर दोनों को आप लोगों ने नीचे कर दिया, सॉरी पीसी लीवर को आप लोगों ने नीचे कर दिया। तो पीसी लीवर नीचे करने के बाद ये जो है ये आपकी बाहर आएगी, स्पूल वॉल जैसे बाहर आएगी तो अभी ये क्या कर रहा है, सॉरी ये अंदर के साइड जाएगी, अभी बाहर नहीं आएगी, ये अंदर के साइड जाती है। तो जैसे ये अंदर के साइड जाएगी ये तो तीन नंबर वाला पोर्ट ओपन कर देता है। तो लोअरिंग के समय में एक नंबर वाला पोर्ट और तीन नंबर वाला पोर्ट ओपन होता है, दो नंबर वाला पोर्ट क्लोज होता है। तो जैसे ही ये ऑयल जो है, ये ऑयल मोड सिलेक्टर वॉल से होते हुए कहाँ कहाँ पे जाएगा, एक जाएगा चेक वॉल की तरफ और एक जाएगा तीन नंबर वॉल की तरफ। तो चेक वॉल जो होता है, चेक वॉल आपका नॉन रिटर्न वॉल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में ऑयल को भेज सकता है, इधर से जाएगा तो इससे वापस इस रास्ते से ऑयल को वापस वो नहीं भेजेगा, मतलब यहाँ से ऑयल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ से ये आगे ऑयल नहीं जा पाएगा। उसके बाद ये ऑयल यहाँ पे आ रहा है और तीन नंबर जो पोर्ट है, तीन नंबर पोर्ट में अंदर जाने के बाद ये स्पूल वॉल जो होती है ये हॉलो होती है ना, अंदर से खोखली होती है, खोखली होने की वजह से ये स्पूल वॉल में से यहाँ पे सीधा रिजर्वायर में ऑयल गिरेगा, ठीक है। तो ये ऑयल इसके पीछे से जैसे जैसे निकलते जाएगा तो ये इंप्लीमेंट जो है ये लोअरिंग होते रहेगा, लेकिन उसी टाइम पे आपका पंप भी चल रहा है ना, इंजन से जो पावर आ रही है उसकी वजह से ये आपका पंप चल रहा है। तो ये पंप में जो ऑयल आ रहा है तो उसको भी तो हमें रिजर्वायर में छोड़ना है ना, उसको भी रिजर्वायर में छोड़ना है, तो उसके लिए हमें इस सिस्टम को भी आधा पार्ट भी हमें न्यूट्रल बनाना पड़ेगा। उस टाइम पे क्या होता है, एक नंबर वाला पोर्ट में गया, आगे जा नहीं सकता, उसके बाद सीधा ये कहाँ पे चला गया, डिफरेंशियल में चला गया, और डिफरेंशियल वाल्व ओपन होते ही ये यहाँ से रिजर्वायर में चला जाता है। अभी यहीं पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस डिफरेंशियल वाल्व क्यों ओपन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पिन का प्रेशर है, यहाँ पे कोई ऑयल प्रेजेंट नहीं है इसके डिफरेंशियल वाल्व के और डिफरेंशियल वाल्व के पीछे साइड में, इसीलिए ये ऑयल सीधा यहाँ से होते हुए रिजर्वायर में चला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ओपन होता है, इसमें पोर्ट नंबर वन ओपन होता है, पोर्ट नंबर थ्री ओपन होता है, ठीक है, उसके बाद पोर्ट नंबर टू क्लोज रहेगा, डिफरेंशियल वाल्व ओपन रहेगा, चेक वाल्व क्लोज रहेगा, है ना। तो ये यहाँ पे लोडिंग सर्किट इसे वर्क करता है। अभी हम लोग डिसमेंटल व्यू देख लेते हैं आइसोट्रैक्टर का, हाइड्रोलिक का, है ना, उसमें क्या क्या चीजें होती है। अभी जो भी मैंने गैलरीज बताई वो सारी गैलरीज ये डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर लगी होती है ना, वो सारी इतनी सारी गैलरीज सारे वॉल्स इसके अंदर लगे होते हैं, टोटल 9 वॉल्स लगे होते हैं इसके अंदर। इतना छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, बहुत महंगा आता है ना, और इसके अंदर ही ये सारे जो भी गैलरीज होती है ये इसके अंदर बनी होती है, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, तो ये सबसे पहले क्या चीज़ें हैं, ट्रिपल लिंकेज में लगी होती है लिफ्ट आर्म्स, है ना, ये लिफ्ट आर्म। लिफ्ट आर्म किससे कनेक्ट होती है, एक हाइड्रोलिक शाफ्ट होती है, तो ये हाइड्रोलिक शाफ्ट कनेक्ट होती है आपके बेल एंड क्रैंक से,
है ना, कनेक्टिंग रॉड एंड बेल एंड क्रैंक है ना। तो ये बेल एंड क्रैंक में स्पाइंस बने होते हैं और ये स्पाइंस उस बेल एंड क्रैंक के साथ ये स्पाइंस अटैच होती है। तो जैसे ही ये अभी यहाँ पे सिलेंडर देख रहे हो, ये सिलेंडर में ऑयल आएगा तो ये ऑयल क्या करेगा, ये पिस्टन को दबाएगा, पिस्टन ये कनेक्टिंग को दबाएगा, फिर कनेक्टिंग जैसे दिखेगी तो ये बेल एंड क्रैंक की मूवमेंट होगी। बेल एंड क्रैंक की मूवमेंट होने के बाद हाइड्रोलिक शाफ्ट की मूवमेंट होती है, और हाइड्रोलिक शाफ्ट की मूवमेंट होते ही आपकी लिफ्ट आर्म की मूवमेंट होती है, अप एंड डाउन ये इसकी मूवमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद एक ब्रीदर लगा होगा है ना, उसमें से जो वेपर्स आपकी हाइड्रोलिक सिस्टम में बनती रहती है उसको निकालने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर के सामने बराबर लगी होती है आपकी मैकेनिकल लिंकेज है ना। ये इतनी सारी जो चीज़ें होती है ये सारी चीज़ें मैकेनिकल लिंकेज कहलाती हैं, और ये मैकेनिकल लिंकेज से कनेक्ट होगी आपकी शील्ड असेंबली। ठीक है, तो शील्ड असेंबली में एक पीसी लीवर और एक डीसी लीवर होता है। तो पीसी लीवर एंड डीसी लीवर में से दो जो ये दो पॉइंट जो है ये दो पॉइंट्स आते हैं है ना। तो इसमें एक शाफ्ट जो होती है, एक शाफ्ट हॉलो होती है और एक शाफ्ट सॉलिड होती है। तो एक शाफ्ट हॉलो शाफ्ट के अंदर से एक शाफ्ट निकल के आती है, तो ये दोनों कनेक्टिंग आपके मैकेनिकल लिंकेज को कनेक्ट होते हैं। जैसे ही कोई भी आप एक लीवर ऑपरेट करोगे तो ये लीवर ऑपरेट होते हैं ये स्पूल वाल्व है ना, ये स्पूल वाल्व ऑपरेट करती है ये दोनों लीवर, और ये स्पूल वाल्व जैसे ऑपरेट होती है। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ ओपनिंग देख रहे हो, तो ये नंबर ऑफ ओपनिंग में से ऑयल फ्लो होगा पूरा, और फ्लो होने के बाद यहाँ पे इसके रैम सिलेंडर के अंदर आएगा, और रैम सिलेंडर के अंदर पिस्टन चलेगा, पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड ऑपरेट होगी, कनेक्टिंग से आपकी बेल एंड क्रैंक से आपकी हाइड्रोलिक शाफ्ट, और हाइड्रोलिक शाफ्ट से आपकी जो भी लिफ्ट आर्म से वो ऑपरेट होती है। उसके बाद ये लिफ्ट आर्म के बाहर फ्लेज लगी होती है, और फ्लेज के अंदर ही सर्किट लगी होती है, ये लिफ्ट आर्म कहीं इस शाफ्ट से बाहर ना निकल जाए इसलिए। ठीक है, यह हाइसर हाइड्रोलिक का डिस्ट्रीब्यूटर अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यह हाइसर हाइड्रोलिक का डिस्ट्रीब्यूटर है। तो यहाँ आपको ये डिफरेंशियल की ओपनिंग है ना, ये इस साइड से दिया गया है। तो यहाँ पे एक आगे की साइड में डिफरेंशियल वाल लगाऊंगा, और ये डिफरेंशियल की ओपनिंग है। तो जैसे ही ये डिफरेंशियल वाल ओपन होता है तो इस रास्ते से ऑयल सीधा रिजर्वायर में घुसता है। ठीक है, ये ऑयल का इनटेक पोर्ट है, उसके बाद ये स्पूल वाल है, ये स्पूल वाल को जैसे ये कनेक्शन कंट्रोल वाल, जब भी हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे तभी जाके ये पूरे सर्किट में ऑयल को फ्लो देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट पोर्ट देख रहे हो आप लोग, उसके बाद यहाँ पे स्पूल वाल हो गया, उसके बाद ये पंप सेफ्टी वाल यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखो ये पंप सेफ्टी वाल है, इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो इसके अंदर एक स्प्रिंग निकलता है, एक वॉल निकलता है बस हो गया। ठीक है, तो ये पंप सेफ्टी वाल है, पंप सेफ्टी वाल जब ओपन होता है तो यहाँ से ऑयल जो है ये ऑयल उस रास्ते से आपके जो रिजर्वायर होता है रिजर्वायर में आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चेक वाल है। ठीक है, उसके बाद चेक यहाँ पे सिलेंडर सेफ्टी वाल है, तो ये सिलेंडर सेफ्टी वाल का ड्रेन पॉइंट हो गया। जब ये सिलेंडर सेफ्टी वाल ओपन होगा तो इस रास्ते से ये क्या करेगा, ऑयल को रिजर्वायर में छोड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका ऐसा हाइड्रोलिक का डिस्ट्रीब्यूटर है। उसके बाद ये ऐसा हाइड्रोलिक का एक पिस्टन दिया है, पिस्टन पे तीन रिंगें लगी होती है हमेशा, दो स्लाइडिंग रिंग रहेगी और एक ग्लाइडिंग रिंग रहेगी। ये जो स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग रिंगों का वर्क क्या है कि ये जो भी हमारा ऑयल आ रहा है तो इस ऑयल को दूसरे अगेन जो दूसरा हमारा रास्ता है उस रास्ते से इस ऑयल को बाहर नहीं निकलने देती है ना, मतलब ऑयल को यहाँ पे रोक के रखती है स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का था, इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग देखने वाले हैं है ना, तो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे क्योंकि ज़्यादा नंबर होंगे। अभी इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो।